अपने आंखें बंद रखें आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे दिन हम अपना वर्कशॉप कर रहे हैं ताकि इस प्लेटफॉर्म पर हम सब साथ मिलकर इस संपूर्ण शक्ति का अवसर उठा सकें। पिछले 24 घंटों में पृथ्वी पर अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रसारण हो रहा है। आज पूरा इस शक्ति का प्रसारण होता रहेगा। जहां तक हो सके हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमें इतना अच्छा अवसर मिला है कि हम सारे ध्यानी दोस्त आज एक साथ मिलकर हमारे शक्ति से कनेक्ट होकर विश्व शक्ति को अपने आप में ले रहे हैं। ये वो समय है मेरे दोस्तों जहां पृथ्वी का कंपन आगे की ओर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमें भी बढ़ना है। हमारे उद्धार के लिए ये विश्व की प्रक्रिया है, हमें सहारा देने के लिए बीच बीच में अत्यधिक विश्व शक्ति का प्रसार पृथ्वी पर होता है। ऐसे टाइम पर हमें बहुत जागरूक रहना है। विश्व शक्ति का ये लक्षण है कि आप जो भी भावना का महसूस कर रहे हैं उसका दुगना महसूस करते हैं जब इसका अधिक प्रसारण होता है। तो अगर आप ध्यान में रहने की कोशिश करेंगे और मन को प्रशांत रखेंगे तो ये विश्व शक्ति के अधिक प्रसार से आपकी शांति और बढ़ेगी। आपका ये जो आध्यात्मिक मार्ग में आपकी जो जर्नी है वह और सुखदायक होगी। इसके विपरीत अगर आप ऐसे समय पर दूसरे भावोद्वेगों का एक्सप्रेशन करेंगे जैसे गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, तो वो भी दुगना होगा, क्योंकि आज इस समय पर विश्व शक्ति का प्रसार अत्यधिक मात्रा में हो रहा है इस पृथ्वी पर। इस बात का ध्यान रखते हुए मेरे दोस्तों अपने सांसों के साथ रहिए। सांसों के साथ रहिए। Thank you.
अपने श्वासों के साथ रहिए मेरे दोस्तों। किसी सोच पर ध्यान न दें, न बीते हुए कल की चिंता करें, न आने वाले कल की। जो भी कुछ जिंदगी है वो इसी क्षण में है मेरे दोस्तों। अपने सांसों के साथ रहिए। कृपया आंखें बंद रखें और अपने सांसों पर ध्यान दें। सांसों में मुक्ति, अपने सांसों के साथ रहे मेरे दोस्तों। इस वर्कशॉप में हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो जो भी ज्वाइन हो रहा है लेट, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आंखें बंद करके ध्यान में सम्मिलित होएं। अपने सांसों के साथ रहें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आज पृथ्वी पर विश्व शक्ति का प्रसारण बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहा है मेरे दोस्तों। तो आज जब आप ध्यान में बैठे हैं, तो संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपने सांसों के साथ रहिए। ये पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का क्षण है मेरे दोस्तों। इसे व्यर्थ न करें, कोई तरह का सोच विचार नहीं। अपने शक्ति को सोचों पर व्यर्थ न करें, बीते हुए कल के बारे में न सोचें, ना ही आने वाले कल के बारे में, क्योंकि सारी जिंदगी बस इसी वक्त का कमाल है। तो वर्तमान में रहिए, अपने सांसों के साथ रहिए।
हमारे जो जीवन का घड़ा है हम उसमें ऊपर से विश्व शक्ति को भरते ही रहते हैं, पर जाने अनजाने में उस घड़े में हमने इतनी सारी छेदे कर दी हैं कि जो विश्व शक्ति हम बड़े प्रयास से ध्यान में लेते हैं उसे हम बेकार चीजों में व्यर्थ कर देते हैं। उन्हीं छोटे छोटे छेदों के द्वारा हमारी सारी विश्व शक्ति ऐसे ही बह जाती है मेरे दोस्तों। सोच विचार भी उस तरह के छेद है हमारे घड़े में जो हमारे विश्व शक्ति के घड़े को खाली कर देते हैं। आज इस ध्यान में हम उन सारे छेदों को भर दें। जैसे जैसे हम अपने सांसों के साथ रहें वैसे वैसे हमारा घड़ा भरता जाता है, हमारे छेद बंद होते जाते हैं। इस बंद घड़े में जो हम विश्व शक्ति ऊपर से लेते हैं उसे हम अत्यधिक अच्छे रूप से हमारे शरीर के संचलन में उपयोग कर सकते हैं। अपने सांसों के साथ रहिए मेरे दोस्तों। Thank you.
अब धीरे धीरे अपने जागरूकता को, अपने अवेयरनेस को, अपने ध्यान को श्वासों से हटाकर अपने अनाहत चक्र के पास ले जाइए। अनाहत चक्र आपके हृदय क्षेत्र के पास रहता है। धीरे से आपका ध्यान अपने श्वासों से हटाकर आपके अनाहत चक्र के पास ले जाइए, जो हृदय के पास है। अनाहत चक्र प्रेम और करुणा का प्रतीक है। अब आपको ये भावना करना है, आपको ये विजुलाइज करना है कि आपके जो अनाहत चक्र का कमल है वो धीरे धीरे खुल रहा है। धीरे से अपना ध्यान अनाहत चक्र पर रखकर अनाहत चक्र के कमल को धीरे धीरे खुलता हुआ देखिए। उस खुलते हुए कमल में आप ये देख रहे हैं कि एक नीले रंग की कांति, एक नीले रंग का चेतना की कांति, जो प्रेम और करुणा से संपूर्ण है, वो आपके अनाहत चक्र के कमल से बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे आप अपने अनाहत चक्र पर गौर करते जाते हैं, ये जो विश्व शांति की ये जो प्रकाश है जो आपके अनाहत चक्र के कमल से बाहर निकल रहा है, वो पूर्ण रूप से प्रेम और करुणा के तरंगों से कंपित हो रहा है। आप उस कांति की कंपन को देख पा रहे हैं। धीरे धीरे वो आपके संपूर्ण शरीर को भर गया है। आपका पूरा शरीर उस अनाहत चक्र से निकले हुए नीले रंग की कांति से एकदम भरा हुआ है और यही कांति आपके शरीर की चारों ओर एक स्फीयर के शेप में, एक वृत्ताकार में आपको घेर रही है। जैसे जैसे ये नीली कांति आपको घेर रही है, आप एक अद्वितीय आनंद का महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे और भी प्रेम और करुणा की कांति बाहर की तरफ फैल रही है, आपके चारों ओर जो कांति का गुब्बारा है वो बड़ा होता जा रहा है। आप उस बड़े नीले रंग के लाइट के स्फीयर में बीच में बैठे हुए हैं। आप उस वृत्ताकार के मध्य में हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, ये कांति आपके चारों ओर और भी फैलती जा रही है और आपके चारों ओर जो स्फीयर है, जो बलून के आकार में आपके चारों ओर ये नीली रंग की कांति छाई हुई है, उसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। आप उसके बीच में बैठे अत्यधिक संतृप्ति, अत्यधिक शांति, परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रेम की कंपन में इतनी शक्ति है कि वो जिसको भी छूती है वो एक अद्वितीय परमानंद में डूब जाता है। आप भी उस प्रेम के कांति के गुब्बारे में बीच में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो वृत्ताकार है और भी फैल कर आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को संपूर्ण रूप से भर गया है। आप बंद आंख से जिधर भी देखें
आपको वो नीले रंग की प्रेम और करुणा के कंपन से सम्मिलित कांति ही दिख रही है। आप उसके बीच में बैठकर, उस वृत्ताकार के बीच में बैठकर अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रेम और करुणा में इतनी शक्ति है कि जो देता है वो भी परमानंद का अनुभव करता है, जो लेता है वो भी परमानंद का अनुभव करता है। अब बंद आंखों से ये विजुलाइज कीजिए कि आप अपने दोनों हाथ उठाकर उस प्रेम और करुणा से भरी कांति को इस विश्व में रिलीज कर रहे हैं, इस विश्व में भेज रहे हैं। जैसे जैसे आपके हाथे उठ रहे हैं, जो ये प्रेम और करुणा से भरी ये जो नीली कांति आपके कमरे में छाई हुई है वो धीरे से इस विश्व में समा रही है। वो जिसको भी छू रही है वो भी अत्यंत परमानंद का अनुभव कर रहा है। वो कांति हमारे धरती माँ को, हमारे प्रकृति माँ को, हमारे साथियों को, बाकी जीव जंतुओं को, जिसको भी छूती जा रही है वो एक तरह का हीलिंग महसूस कर रहे हैं। इस प्रेम और करुणा की कांति को इस विश्व में भेजकर आप एक अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस पृथ्वी माँ को, इस प्रकृति माँ का हम इस रूप से अपने ध्यान में सेवा कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने श्वासों के पास अपने ध्यान को ले आइए। अपने श्वासों पर गौर करें। अपने हाथों को एक बार जोर से रब कीजिए ताकि थोड़ी गर्मी उत्पन्न हो और उस हाथों को, उस हथेलियों को अपने बंद आंखों पे रखें। दस, नौ, आठ,
सात छः पाँच चार तीन दो एक। मेरे दोस्तों, आप धीरे से हाथ उठाइएगा और अपने आंखों को धीरे धीरे खोलिए। इसके साथ ही आज का ध्यान हमारा समाप्त हुआ। अपने आप के लिए एक जोरदार ताली। मेरे दोस्तों, हम काफी सालों से सुन रहे हैं कि हमारी पृथ्वी एसेंशन से गुजर रही है। एसेंशन का मतलब यह है कि जो भी फ्रीक्वेंसी में हर एक चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो हमारे भूमाता की भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी और तेज हो रही है। तो ये जो दो दिन मैं अपने ध्यान में बता रही थी, भूमाता को इतनी शक्ति मिल रही है ताकि वो अपने प्रकंपन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि हम इस भूमाता पे आधारित हैं, इस भूमंडल में रहते हैं। ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी के फ्रीक्वेंसी के साथ हम भी अपने फ्रीक्वेंसी को अलाइन करें, नहीं तो हम भी मिट जाएंगे मेरे दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि जो भी बदलाव हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, वो सब एक स्टेप चेंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हमारे भूमंडल के प्रगति के लिए है। तो जो भी विश्व शक्ति का महसूस आप पूरे दिन करेंगे, जहां तक हो सके ध्यान में बैठिए, उस विश्व शक्ति का पूरा सदुपयोग कीजिएगा। विश्व शक्ति की एक अपनी बड़ी ही सरप्राइजिंग क्वालिटी है, वो ये है कि आप जो भी स्थिति में हो, वो स्थिति आपको दुगनी हो जाएगी। अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये दो दिन से अर्थ पे जो पोर्टल्स ओपन होके जो अधिक विश्व शक्ति आ रही है, आप जिस भी स्थिति में होंगे, उस स्थिति का आप दुगना महसूस करेंगे। तो जहां तक हो सके कोशिश करें मेरे दोस्तों कि आप नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने दिल में ना लाएं, एटलीस्ट आज तो ना लाएं। अगर आप कुछ ना करें तो कम से कम अपना कमरा बंद करके आराम से बैठ जाइएगा। किसी से ऐसा संपर्क नहीं करें जिसके कारण आपको गुस्सा आए या घृणा होए या आपको दुख पहुंचे। ऐसा कोई भी वाइब्रेशन से आप गुजरे नहीं आज। हो सके तो खुश रहिए, तो आपकी खुशी दुगनी होगी। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति और करनी है, तो आज तो बहुत अच्छा अवसर है मेरे दोस्तों। आज हमारे पृथ्वी पे इतनी जगहों पे मास मेडिटेशन हो रहा है मेरे दोस्तों। एक नहीं, हजार हजार लोग बैठ के एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि सब जो ध्यानी हैं, वो सब समझते हैं कि पृथ्वी की जो फ्रीक्वेंसी है आज थोड़ा अधिक है। तो इसलिए मैं ये 5 मिनट लेके आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वर्कशॉप होने के बाद भी आप लोग अपने साथ रहे, अपने सांसों के साथ रहे और इस शक्ति का पूर्ण उपयोग करें। तो मेरे दोस्तों, हम लोग जागरूकता के द्वारा चेतना वर्कशॉप सीरीज कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ सेशंस किए हैं, मेरे ख्याल से 2 सेशन किए हैं। आज हम तीसरे सेशन में हैं। तो ये जागरूकता के जो टॉपिक हमने पिक किया है मेरे दोस्तों, इस समय के लिए ये अत्यधिक टाइमली टॉपिक है। एकदम बिल्कुल सही समय पे हमने इसका चयन किया। हमने नहीं किया, उस परमात्मा ने किया। हम तो जस्ट फॉलो हो रहे हैं, पर उसका उपयोग हम सब कर रहे हैं। तो आज जो हम इस जागरूकता के बारे में आज हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार हम रुक कर ये सोचते हैं कि जब ध्यान में, जब भी मैं आपको ध्यान में बोलती हूं कि अपने थॉट्स पर विचार न करें, जस्ट छोड़ दीजिएगा, आप अपने एनर्जी को अपने सोच विचार के साथ न जोड़ें। और कभी कभी मैं ध्यान में गाइड करते हुए ये भी बताती हूं कि
आप जब ध्यान में होते हो तो कभी कभी सोच विचार आ जाते हैं, और काफी हम लोग जो ध्यानी है हमारे यही फ्रस्ट्रेशन है कि हम कितना श्वास पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोच विचार आ ही जाता है। हम जानकर नहीं करते। हम सबकी एक अच्छी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने सांसों के साथ रहे, और अपने सांसों के साथ रहते हुए हम धीरे धीरे आजकल पद्मनाभ स्थिति का भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हम अपने सांसों को इतने एफिशिएंट रेट पर इतना आराम से धीरे कर लेते हैं ताकि हमारी जो रोग निरोधक शक्ति है उसको हम पूरा विश्व शक्ति जो हमारे पास है वो हम दे सके। इसलिए आज मैंने आपको वो घड़े का उदाहरण दिया कि हमारा ये जो शरीर है वो घड़ा समान है। हम वो जो घड़े का मुंह होता है ऊपर की तरफ, ऐसे ही हमारा शरीर है, और वहां से हम अपनी विश्व शक्ति ले रहे हैं, जो हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, क्राउन चक्र, वहां से हम अपनी विश्व शक्ति ले रहे हैं, या हम नींद में लेते हैं या फिर हम ध्यान में बैठकर अत्यधिक रूप से लेते हैं। पर दोस्तों ये बात बहुत सोचने की बात है कि हमारे घड़े में कितने छेद हैं। अब ये तो छोटा बच्चा भी बताएगा कि अगर आपका घड़ा आप भरा हुआ है, जब आपके पास नल का टाइम होता है तो आप घड़ा तो भर लेते हो, पर अगर उस घड़े में छेद इतने ज्यादा हैं कि आप जितने समय में उसको भर लेते हैं उससे भी कम समय में अगर उस छेद से आपका पानी सारा बह गया, तो आप ही बताइए आपके पास क्या विकल्प है। या तो आप फिर से नल के पास दौड़ेंगे घड़ा भरने के लिए, या फिर छेदों को भरने की कोशिश करेंगे, है ना मेरे दोस्तों। ये तो बहुत छोटी बात है, ये फर्स्ट क्लास के बच्चे को पूछो वो भी बताएगा। तो दोनों करना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। एक तरह से छेदों को बंद करना बहुत जरूरी है, पर जैसा कि हम इस मानव शरीर में होने के नाते अगर हमारे 10 छेद हैं तो हम भरते भरते 8 भी भर लेते हैं, तो एक दो छेद ऐसे हो जाते हैं मेरे दोस्तों कि कभी कभी भरते हुए भी वो छेद फिर वापस आ जाते हैं। और यही हमारी फ्रस्ट्रेशन है। हम लोग इसीलिए इतने विचलित हो जाते हैं कि हम अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, हम अपने अंदर जर्नी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सारे छेद भर ले। तो जैसे कि मैंने कहा, या तो हम बार बार ध्यान करें, बार बार अपने नल के पास जाए और घड़े को भर लें, पर जब तक हम छेद को प्रॉपरली बंद न करेंगे, ये बार बार ये नल के पास जाना ये काम भी वेस्ट है, बहुत फ्यूटाइल है, मतलब बिल्कुल निरर्थक है। तो ये दोनों तरफ का काम है मेरे दोस्तों कि समय समय पर, ये नहीं कि हर 5 मिनट में भागकर हम घड़ा भर ले हैं क्योंकि हम छेद भरना नहीं चाहते। हाँ, ऐसे भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम छेद भरना नहीं चाहते मैडम, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर छेद भरना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप हर 5 मिनट में ध्यान में बैठ जाइएगा, 1 घंटा ध्यान कीजिएगा और 5 मिनट जाके फालतू बातें करिए, आपके छेद बड़े बड़े हो जाएंगे आराम से, आपकी विश्व शक्ति, आपके कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे दोस्तों। पर ये बात इस बात की है कि समझना है आपको कि आपके अंदर हो क्या रहा है। तो ये है कि जब हम इस घड़े को भरते हैं तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने छेदों को जरा आराम से उसको बंद कर लें। सब छेदों को भर लेते हैं, जैसे कौन सी छेदे हैं मेरे दोस्तों, जब हम आंखें खोल के रखते हैं तो कितना कुछ हम देखते हैं अपने आंखों से। अगर यही कोई कहे कि भाई आंखें खोल कर ध्यान करो, तो आप सोच भी सकते हैं हमारी क्या हाल रहेगी। आपके हस्बैंड कोई आगे से जा रहे होंगे एक बैग लेके, आप तुरंत बोलोगे अरे अरे वो वाला बैग नहीं, वो बैग तो शॉपिंग बैग नहीं है, वो दूसरा बैग है। आप बोलोगे भी नहीं, मुंह बंद करके भी आपके जो चेहरे पर आपके भाव होंगे कि वो देख के आपके हस्बैंड डर जाएंगे, वो बैग छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर आपकी वाइफ जो भी हो। तो आंखों से मेरे दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि 80% एनर्जी जो हमारी है ना वो आंखों से ही बाहर जाती है। इसलिए पहले ध्यान का पहला रूल है आंखें बंद कर लो, ताकि ये जो वो सबसे बड़ा छेद है हमारा। दूसरा छेद हमारे कान भी है, पर हम कान इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि हमें अच्छी आदत हो गई है कि हम उस कान में हमने क्या कर लिया है कि ये जो फालतू चीजें सुनने के बजाय हम या तो अच्छा म्यूजिक लगा लेते हैं ताकि हमें दूसरे तरह का डिसरप्शन नहीं हो। तो हमने बहुत ही अच्छा काम किया, हमने क्या किया, हमने अपने छेद को इस तरह से बंद किया ताकि हम ऐसा सुन पाते जो हम चाहते हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमारा मुंह हम बंद कर लेते हैं तो वो हमारा डिस्ट्रैक्शन है, हम बात नहीं करते। अब जैसे आज मैं दोपहर को ध्यान में बैठी थी, मेरे हस्बैंड, उन्हें मालूम नहीं था कि मैं ध्यान में हूँ,
क्योंकि कभी कभी वो सोचते मैं सो रही हूँ, तो वो आके मुझे बहुत पास से बोल रहे थे भूख लग रही है खाना खाएंगे, और ध्यान से तो मैं बाहर आ गई थी पर मुझे बोलने का दिल नहीं था कि नहीं बाबा मेरा ध्यान हो रहा है अभी मुझे दो मिनट छोड़ दो। तो इतना मुश्किल था कि अरे ध्यान होने तक मुंह नहीं खोलना है। पर ये सब हमारे लिए जो हमने सिस्टम्स लगा लिए हैं दोस्तों, ये हम इस तरह से अपने छेदों को भर रहे हैं। तो हालांकि ये हम जब सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब हमारे छेदे हैं जो हम घड़े में जो छेद बन सकते हैं उसको हम पहले ही बंद करके रख लें। पर एक जो छेद है मेरे दोस्तों, वो ही है जो हम ध्यान में बैठकर भी हम काफी उसका सामना नहीं कर पाते, वो है हमारे सोच विचार। तो वो से सोच विचार का जो छेद है उसे ही हमें मैनेज करना है। तो मैं कभी कभी ध्यान में आप लोगों से कहती हूँ कि एक हाथ सोच विचार आ भी जाए तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। मैं अक्सर यही बोलती हूँ, काफी लोग इतने विचलित हो जाते कि अरे बाबा मुझे तो ध्यान पे ही श्वास सांसों के साथ रहना है, ये एक सोच विचार पता नहीं कौन से कोने से आ गया, मुझे तो वहां रहना ही नहीं है। जब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है ना मेरे दोस्तों, तो ध्यान चला जाता है गंगा की ओर, या और अपना सारा गुस्सा उस एक सोच उस पर केंद्रित हो जाता है कि वो मेरा क्यों आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि आप जितना उसके बारे में चिंता करेंगे तो आपका पूरा ध्यान गोल हो जाएगा। तो इसलिए मैं काफी बार बोलती हूँ कि जब स्पेशली जो नए नए ध्यानी होते हैं, आप लोग तो बहुत ग्रेट मास्टर्स हो तो आप लोग ये सब जानते हो, पर जब कोई नया नया मेडिटेशन के लिए आता है तो जब मैं उनसे गाइडेड मेडिटेशन करवाती हूँ तो मैं अक्सर हर 5 मिनट में उनको याद दिलाती हूँ। कोई बात नहीं, वैसे तो मैं बोलती रहती हूँ कि अपने सोच पर ध्यान नहीं दे, पर फिर मैं ये भी बोलती हूँ कि डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, आप फ्रस्ट्रेट ना हो। अगर आपको लगता है कि एक हाथ सोच विचार आ गया तो उससे लड़े मत, क्योंकि जितना आप लड़ोगे और भी सोच विचार आएंगे। तो आप क्या करो, जैसे मैं इंग्लिश में कहती हूँ, एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज एंड लेट इट गो। मतलब जो भी सोच आपको परेशान कर रहा है उसको संपूर्ण रूप से पहले स्वीकार कर लीजिएगा, उसको स्वीकार कीजिएगा, पूरा उसके सामने झुक जाइएगा कि ठीक है भाई तुम आ गए हो, हम तुमको गले लगा रहे हैं, अब तुम कृपया एक कोने में बैठ जाओ, तुम्हारे लिए हमने ये सीट लगा के रखी है, बेटा आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। आप जब भी किसी चीज को बड़े प्रेम से ऐसे स्वीकार करके उसको बगल में रख देते हैं तो वो फिर वापस नहीं आता। ये मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया है मेरे दोस्तों, जब भी कोई भी सोच या सोच ही नहीं कुछ भी हो जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसे बड़े प्रेम से बुलाइए, आजा बेटा आजा, मुझे तू स्वीकार है आजा। ये नहीं कि जब आप जस्ट आप ओठों से बोल रहे पर अंदर आप उस पर इतना गुस्सा है, ऐसे नहीं। जब आप बोलते हो तो आपको अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि ठीक है अगर सोच विचार नहीं करना, एक हाथ आ गया तो कोई बात नहीं बेटा आजा, उसको आप मनी मन गले लगा लो उस सोच को और बोलो कि मैं तुम्हें पूरी रूप से स्वीकार करता हूँ, आ जाओ आराम से ऐसे बैठ जाओ मेरे बगल में, ध्यान होने के बाद हम दोनों बात करेंगे। बहुत अच्छे से ये काम करता है मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी थॉट परेशान कर रहा हो तो आप उससे लड़िए मत, लड़ोगे तो वो बार बार आएगा। ये जिंदगी का उसूल है, ये जिंदगी का स्वभाव है, ये सोच ही नहीं, ये आप किसी भी चीज कोई भी परिस्थिति कोई भी सिचुएशन यही है। पर इसका फर्स्ट एग्जांपल हम ध्यान से ही ले रहे हैं क्योंकि ध्यान में इजी है, हम लोग समझ सकते हैं ये सोच हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती है कि हम उसको फाइट करते हैं। तो जब आपको मालूम है कि आपको सोच चाहिए नहीं पर फिर भी आ रहा है तो मतलब ये आपके कंट्रोल से बाहर की बात है ना। अगर आपके ही कंट्रोल में होता तो सोच नहीं आता, आप आराम से अपने सांसों के साथ रहते। पर ये सांसों के साथ रहते हुए भी अगर एक हाथ सोच आता है तो उसका यही मार्ग है कि आप उसको प्यार से गले लगा ले। मतलब जब आप बोले गले लगा ले, इसका मतलब आप उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट, इंग्लिश में कहते हैं ना एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, स्वीकार करें। फिर उसके बाद उसको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज मतलब हाँ भाई मैं जानता हूं कि तुम यहाँ हो, मैं समझता हूं तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें पूरी रूप से स्वीकार कर रहा हूं। फिर जब आप उसके पूरी रूप से स्वीकार करके उसको प्रेम से गले लगा के उसको अपने पास बगल में बिठा लेते हैं तो आपके बिना जाने हुए भी जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं उसको कहते हैं समर्पण, उसको कहते हैं सरेंडर। हमारे मनुष्यों में एक बात है, हम सोचते हैं हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, बहुत बुरी बुरी बात है झुकना, मतलब हम सरेंडर को इंसल्ट मानते हैं।
ये हमारे लिए पीढ़ियों से, जनरेशन से हम लोग को यही सिखाया है कि भाई प्राइड के साथ रहना है तुम्हें, तो किसी के सामने झुकना नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने अपने मुंह से कुछ कह दिया, बाद में वो गलत भी लगे, तो हमारा ईगो इतना बड़ा है कि हम झुकेंगे नहीं। तो हमारा ये जो फॉल्स प्राइड है वो इतना ऊंचा हो जाता है कभी कभी कि हम अपनी गलती का महसूस करने के बावजूद भी समर्पण को एकदम एक्नॉलेज नहीं करते। तो आज जो हम अपने जागरूकता के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, आज वही समर्पण की बात है। सो ये समर्पण सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, ये हमारे आंतरिक दुनिया के लिए भी है। जो हम ध्यानी हैं वो एक बात हम कंप्लीटली समझते हैं, जो हमारे चारों ओर की दुनिया है, जो हमारे चारों ओर की सराउंडिंग्स है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे कि आपके बगल वाले घर में कोई रहता है, आपको वो पसंद नहीं है, आप कुछ कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि घर खाली करके चले जाओ? नहीं कह सकते। अगर आपके घर के आगे कोई न्यूज़पेपर वाले ने दुकान खोल रखी है, उसको आपको पसंद नहीं है क्योंकि रोज वहां 1000 लोग आते हैं, क्या करेंगे आप? दरवाजा बंद करके अंदर बैठेंगे? आप उसको कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। विशाखापट्टनम में मेरा ससुराल है, जो हमारा घर है वो मेन रोड पे है, सुबह 4:45 बजे भगवान इतनी बड़ी बड़ी ट्रक्स उस रोड पे से जाते हैं। जाए तो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, हमारे घर के जो हमारा रोड है वो एकदम शार्प बेंड होता है, वहां पे टर्न है, तो सारे ये बड़े बड़े ट्रक्स जो आते हैं वो सारे पूरा ब्रेक लगाते हैं वहां पे। तो सुबह 4:45 बजे कोई भी बंदा हमारे घर में नहीं सो सकता क्योंकि वो इतना ब्रेक की आवाज आती है। पर क्या हम कुछ कर सकते हैं उसको? हम क्या बोल सकते हैं लारी वाले को कि भाई हम लोग सो रहे हैं, तुम 7 बजे तक इस सड़क पे नहीं आओ? नहीं, हमारे हाथ में हाथ की बात नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में एक ही चीज है कि हम अंदर का वातावरण वो हम अपने अनुकूल कर सकते हैं। ये मजाक जरूर है मेरे दोस्तों, पर एक बार आप गौर करें तो पूरी जिंदगी यही है। हम ये जानते हुए भी कि बाहरी जो एनवायरमेंट है, जो हमारा बाहर का पर्यावरण है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये जानते हुए भी हम उसके उसके बारे में कंप्लेन करते हैं। इतना कंप्लेन करते हैं मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हम, क्योंकि हम बाहरी वातावरण का कुछ नहीं कर सकते, तो हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो अपने आंतरिक वातावरण, आंतरिक इंटरनल एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, हम उसी को बदल सकते हैं मेरे दोस्तों। और उसी को बदलना ही समर्पण का दूसरा रूप है। तो आज जो हम बात करते हैं, ये समर्पण इतनी जल्दी नहीं आता, उसके लिए बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। ये जो समर्पण का ये जो समर्पण की यात्रा जो है, वो हर क्षण जागरूकता के साथ करना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग ये समर्पण के बारे में आज थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पर ये जागरूकता से इतना जुड़ा हुआ है कि ये समर्पण के लिए हमें आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से अत्यंत जागरूक, जिसे कहते हैं अवेयरनेस, एकदम अटमोस्ट अवेयरनेस, अत्यंत जागरूकता के साथ हमें इसका व्यवहार करना होगा। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल के साथ शुरू किया, जो हमारा सोच है हमारे ध्यान में, अगर उसे हमें बीट करना है, अगर उसे हमें रोकना है, तो समर्पण ही एक मार्ग है। ध्यान हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजों का ज्ञान देता है। जब आप ध्यान में बैठकर इसका महसूस करते हैं कि मैंने जब प्रेम से सोच विचार को गले लगाकर इसको एक बगल में रखा, तो ये चला गया, ये थॉट आया नहीं फिर से, तो उसका जो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आप हर चीज पर करके देख सकते हैं। तो जब हम समर्पण के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी में अनजाने में, अनकॉन्शियसली, मतलब हमारे जानकारी के बिना, काफी बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम होश में रह के व्यवहार नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहोश होकर गिर गए हैं। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इतने चतुर हैं, देखने को तो हमारी आंखें खुली हुई हैं, पर फिर भी हम बेहोशी, हमारी जो क्रिया है, हमारी जो कर्म है, वो सब इतने बेहोशी में कर रहे हैं, हम ऐसे ही कर देते हैं। हम जानते भी नहीं कि उसका क्या नतीजा होगा। कभी कभी हम ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम नहीं बोलना चाहते, वो बोलने के बाद हमें लगता है उफ, मैंने ये क्यों कहा।
तो ये तो वही कहता है ना जो बेहोशी में होता है, जिसको ज्ञात नहीं होता। तो हमारी जिंदगी का कितना भाग हम बेहोशी में बिता रहे हैं मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने ये वर्ड बेहोशी कहा। अगर आप अपने जीवन को गौर से देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि अनजाने में आप हमेशा एक युद्ध लड़ रहे हैं, हमेशा हमेशा। मेरे दोस्तों मैं हमेशा इसलिए कह रही हूं कि अगर आपके जिंदगी में ऐसी परिस्थिति 90% से ज्यादा है तो वो ऑलमोस्ट हमेशा ही है। तो वो कैसी परिस्थिति है? वो ऐसी परिस्थिति है कि ये जो मैं आपके बारे में कह रही हूं कि जो आप हमेशा एक युद्ध कर रहे हैं, वो कैसी युद्ध है, वो किसकी युद्ध है? आपके जो बाहरी परिस्थिति है, आपके चारों ओर जो आपकी बाहर की परिस्थिति है उसमें और आपके जो आंतरिक परिस्थिति है उसके बीच में हमेशा एक युद्ध हो रहा है मेरे दोस्तों। अब आप कहेंगे नहीं मैडम मेरे में तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तो चलिए अपन थोड़ा सा गौर करते हैं। जो भी कुछ आपके चारों ओर हो रहा है, आप जहां भी हो, आप जिसके भी साथ हो, आप जो भी कर रहे हो, 90% हमारे मन में, ये जो हमारा अंदर का ये जो एटमॉस्फेयर है, अंदर का ये जो पर्यावरण है, वो क्या है? हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे मन में जो भी भावोद्वेग आता है वो सब हमारा आंतरिक एटमॉस्फेयर है। जहां भी हम हो, हमारा अंदर का ये जो मन है, जो विचार है, वो कहेगा मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे वो नहीं लग रहा। और ये जो अंतर्द्वंद होता है किसके बीच में? आपके बाहर की परिस्थिति और आपके आंतरिक परिस्थिति में ये जो द्वंद हो रहा है, अनजाने में हो रहा है। आप कई बार इसके बारे में ज्ञात भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी आदत बन गई है कि आप जहां भी जाए आप ये द्वंद, ये जो युद्ध आप जारी रखते हैं, ये युद्ध इतना पेनफुल हो जाता है, इतना दर्दनाक हो जाता है मेरे दोस्तों कि ये आपके शरीर का भाग बन जाता है। तो इसके कारण ये होता है कि आप कई बार ये भी नहीं जानते कि आप क्यों इतनी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। कितने बार आपने लोगों को देखा होगा कि आई एम फीलिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस मतलब बेचैनी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। पर कभी जो कह रहा है कि मुझे बेचैनी है, उसने कभी अपने अंदर झांक के देखा कि क्यों बेचैनी हो रही है? बेचैनी इसलिए हो रही है कि वो बंदा जिस भी परिस्थिति में है उसके बाहरी परिस्थिति और आंतरिक परिस्थिति अलाइंड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा, उसके जो भावनाएं हैं, उसके जो थॉट्स हैं, वो उस बाहरी परिस्थिति से खुश नहीं है, क्योंकि वो वहां रहना नहीं चाहते जहां वो बंदा है, वो उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहते जिन लोगों के साथ वो हैं। तो हुआ ना दो दो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, एक तो बाहर का सर्कमस्टेंस और एक अंदर की परिस्थिति। जब 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 आपके बाहर की परिस्थिति और अंदर की परिस्थिति में समन्वयता नहीं होती, समन्वयता मतलब अलाइनमेंट, हार्मनी, जब ये दोनों के बीच में हार्मनी नहीं होती, तब तब आदमी बेचैनी से गुजरता है। बेचैनी तो बहुत छोटी बात है, ये बेचैनी ही बढ़ के एक ऐसा दर्द हो जाता है कि वो आदमी को ये दर्द के साथ रहते रहते जीवन उसका दुर्भर हो जाता है। उसको लगता है, अब आप ही सोचिए, अगर आप अपने, जब आप निद्रा में नहीं हो, बाकी जितने भी टाइम आप जागे हुए हो, अगर आप हमेशा एक बेचैनी से जिएंगे, अगर आपके दिल में हमेशा एक दर्द रहेगा, तो क्या होगा? आपको क्या जिंदगी अच्छी लगेगी? आपके बिना चाहते हुए भी कुछ सालों बाद आप एक निर्णय पे पहुंच जाओगे कि ये जिंदगी तो व्यर्थ है, ये जिंदगी बेकार है। आपने कितने लोगों के मुंह से ये सुना नहीं होगा कि वेस्ट, दिस लाइफ इज वेस्ट, दिस लाइफ इज फ्यूटाइल, मतलब फ्यूटाइल मतलब बिल्कुल बेकार है ये जिंदगी। एक बार जो भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये जिंदगी बेकार है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे ध्यानी दोस्तों, एक ही उसका मतलब है कि उनकी बाहर की परिस्थिति और अंदर की परिस्थिति में कोई हार्मनी नहीं है। मतलब हार्मनी नहीं है का मतलब यही है कि उनकी जो अंदर की दुनिया है, और अंदर की दुनिया, मैंने कहा अंदर की दुनिया सिर्फ दो तीन चीजों की बनी रहती है, हमारे सोच और उसके साथ हमारे उठते हुए भाव, इमोशंस, यही दो चीजें हैं हमारे अंदर। जब हम जागे हुए ना दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने आंखें खोल के इस जिंदगी में व्यवहार करते हैं, तो हमारी जो आंतरिक दुनिया है उसमें दो ही चीज है, हमारे सोच विचार और उसके साथ उठती हुई भावनाएं। पर बाहर की दुनिया तो इससे बड़ी है,
कि हम अलग अलग परिस्थितियों में जाते हैं, अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। सो ये दोनों जो चीज है, जो बाहरी परिस्थिति और अंदर की दुनिया, जब भी उन दोनों में समन्वय नहीं होता, जिंदगी बहुत दर्दनाक हो जाती है। तो ये तो समझ गए हम लोग कि हमारी जिंदगी जो जो कह रहा है कि भाई दुर्भर है मेरी जिंदगी, एकदम बेकार है, तो उनकी यही समस्या है। तो आपके पास, आप ध्यानी हो, मैं आप लोग को इसलिए सब बताती हूँ कि मुझे मालूम है कि ध्यानियों के मुंह से एक तरह का एक ऐसा ऑरा आता है कि सारे आ जाते हैं कि मैडम आप तो ध्यान करते हो, कि सर आप ध्यान करते हो, हमें कोई बेचैनी हो रही है, जरा बताइए बताइए। अरे मैं पूरा समझती हूँ कि आपके आपके चारों ओर तो पता नहीं कितने लोग आते होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ध्यानी थोड़ा अंदर अंदर की दुनिया में थोड़ा अच्छा झांक कर देख लेता है। तो कभी भी कोई आए आपके पास और कहे कि मुझे बिल्कुल जिंदगी वेस्ट है, मैं बहुत डिप्रेशन से जा रहा हूँ, ये एक है मेरे दोस्तों, ये दर्दनाक जिंदगी ना, उसका पहला स्टेज है बेचैनी, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद एंजाइटी, और आपको तो मालूम है उसके बाद क्या होता है कि अरे ये जिंदगी जियो या मरो, एक ही है तो मैं ही खुद फिनिश कर लेता हूँ ऐसा। पर अगर उस बंदे को पहले स्टेप में ही किसी ने रोक लिया कि अरे मेरे दोस्त, कभी सोचा तूने कि बेचैनी क्यों हो रही है, थोड़ा उसके साथ बैठकर उसको थोड़ी मदद देकर कि एक बार सोच तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, जब आप उसके साथ थोड़ा सा अपनी अपना एनर्जी देकर, मतलब एनर्जी देकर मतलब थोड़ा उसके सोच विचार में थोड़ा क्लैरिटी ले आए, तो मेरे दोस्तों वो वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो आगे? क्योंकि जिस दिन भी मेरे दोस्तों हमारे मन में ये विचार आ जाए कि ये बेचैनी क्यों हो रही है, क्यों, बस क्यों, दो ही चीज है दोस्तों जो जीवन में आगे ले जाता है, क्यों और क्या। जब आपको कोई भी इंक्वायरी, मतलब कोई भी प्रश्न उठता है, इसका मतलब आप उसके बारे में विचार करना आपने शुरू कर दिया है, और वो ही सफलता का पहला मार्ग है, पहली सीढ़ी कहते हैं ना, वही है। तो जब आपके दिल में एक तरह की बेचैनी उठ रही है, एक तरह का दर्द उठ रहा है, और आपने अंदर झांक कर देखा, तो आपको समझ में आया कि आप जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, आपका जो अंदर का दिल है, जो आपकी सोच है, वो उसके साथ नहीं है। तो इसीलिए मेरा दर्द है। जिस दिन आपने ये पहचान लिया, तो आपके पास पूरा फ्री विल है, आप उस परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। तो वही आपका पहला है। मैं अक्सर आप लोगों को ये एग्जांपल देती हूँ कि आप सफर कर रहे हो, पेट में दर्द हो रहा है, अब आप सालों वो पेट में दर्द से तड़प रहे हो, तो आप अपने दादी के पास गए तो घरेलू नुस्खा दे दिया, बगल वाले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ और दे दिया। आप ऐसे कितने साल गुजार लेते हो कि छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो भी, फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये कुछ काम नहीं कर रहा, तो आपको समझ में आ गया कि ये नहीं, मुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना है। जाते हैं आप बड़े डॉक्टर के पास, MRI जो भी करना है कर लेता है, फिर आपको बताया कैंसर, तो आप क्या करेंगे? फिर भी आके अपने दादी के पास नुस्ख लेंगे कि मुझे मेथी दे दो, हमारे घर में होता है पेट में दर्द है तो हम लोग मेथी खाते हैं, अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाता है। तो हमें तो ये बचपन से, मतलब हमारे यहाँ डॉक्टर के पास थोड़ा कम ही जाते थे, मेरी माँ आयुर्वेद डॉक्टर तो नहीं है, पर पता नहीं घर बैठे बैठे कितनी किताबें उन्होंने पढ़ ली थी, कि हम लोग डॉक्टर के पास बहुत कम जाते थे। तो पेट में दर्द शुरू हुआ ना हुआ, पहला मतलब हमारे यहाँ पे मेथी का डब्बा हरदम खाली हो जाता था, एक हम लोग सात बहने हैं और एक भाई है, तो मेथी का डब्बा एकदम फिनिश। हमारे बगल वाले तो हंसते थे कि लोगों के घर में जीरा खत्म हो जाता है, राई खत्म हो जाता है, आपके घर में मेथी हरदम कम हमेशा खत्म, क्योंकि मेथी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये हंसी मजाक की बात है, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस दिन आपको मालूम पड़ गया कि आपका जो ये डायग्नोसिस है वो कुछ और है, तो आप थोड़ी आके घर में मेथी खाओगे, आप क्या करोगे? उस डायग्नोसिस के बारे में कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में, उसको करने की कोशिश करोगे। तो इसी प्रकार जब आपके दिल में ये दर्द का कारण आपने जान लिया कि आपके बाहरी दुनिया और अंदर की जो दुनिया है वो दोनों फिट नहीं बैठ रही हैं, तो उसी क्षण आपके पास
फ्री विल है। फ्री विल तो आप सब जानते हो ना कि जब भगवान ने हमें पैदा किया, जब हम इस धरती पर आए, तो किसी ना कोई तो आपको ये बोलता नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं, वो तो आप करते हो क्योंकि आप करना चाहते हो। अगर आप सही में अपनी जिंदगी को एक बार देखो तो आप जो भी कर रहे हैं वो कभी भी रोक सकते हैं, जो भी करना चाहे वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये जो परमात्मा है, ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसने हम सब मनुष्यों को ये फ्री विल का एक उपहार दे रखा है। तो आपके पास जब आप समझ जाते हो कि ये अंतर्द्वंद, ये जो दर्द मेरे अंदर पैदा हो रहा है वो मेरा अंतर्द्वंद है, तो आप उसी दिन फ्री विल के साथ उसके बाहर आ सकते हो। तो अगर हम ये सोचने की शुरू करें कि फ्री विल हमारा क्या है और हम इसे कैसे कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा और इसके बारे में हम आप आज समर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा और भी विचार कर सकते हैं। कितनी बार हम अपने दिन की दिनचर्या अगर आपने देखा, तो कितनी बार हम सोचते हैं कि मुझे यार खड़े नहीं होना। अब मैं इतने एग्जाम्पल देती हूँ कि अगले दिन मैं बता रही थी कितने बार मेरे दोस्तों हम लोग बस लेना है हमें तो टिकट खरीदना है तो बस क्यू में तो खड़े होंगे ना, टिकट की क्यू में। और कितने बार दोस्तों हम टिकट की क्यू में खड़े हैं और वो क्यू आगे बढ़ ही नहीं रही है, हम नहीं चाहते कि हम वहां रहे। अब आजकल हम लोग प्लेन्स में जा रहे हैं, कितनी बार एयरपोर्ट लॉन्जेस में हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं क्योंकि फ्लाइट डिले हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, फ्लाइट बदल गई। पर हमारा अंदर का जो मन है वो बहुत तड़पता रहता है क्योंकि हम वहां रहना नहीं चाहते। हम लोग सब गाड़ियां चलाते हैं, कितने बार हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, हम हेट करते हैं, हमें एकदम पसंद ही नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूं मेरे दोस्तों कि ये चीजें हमारे जिंदगी में हर रोज देखने को मिलती है। तो हम अपनी जिंदगी का कितना टाइम ऐसे ऐसे समय में व्यतीत कर रहे हैं जहां हमारा मन नहीं चाहता कि हम वहां रहे। तो हमारे मन में ये द्वंद हमेशा जारी रहता है कि हमारी जो जिंदगी हम व्यतीत कर रहे हैं उसमें से मोर देन 50%, आधी से ज्यादा जिंदगी हम इस द्वंद में, हम इस युद्ध में ही बिता रहे हैं, जहां हमारी आंतरिक दुनिया हमें कह रही है कि हमें तुम्हारी बाहरी दुनिया में रहना नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो तब क्या होता है, तब जो हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो विचार तक सीमित नहीं रहते, उसके बाद हमारे मन से जो भावोद्वेग आते हैं कि हमें गुस्सा आता है, हमें लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, तो हम क्या करते हैं, जोर जोर से हॉर्न बजाने लगते हैं। तो हमारे हॉर्न बजाने से वो गुस्सा हो जाता है, वो वहां तक तो रुकता नहीं है, ये तो चेन रिएक्शन होती है। फिर हम सोचते हैं कि हमें घर जल्दी जाना है, तो हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारे जो कार्य है वो हमारे आंतरिक दुनिया के, बाहरी दुनिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण है मेरे दोस्तों। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें कि ये जो मैंने तीन एग्जाम्पल आपको बताया, ये जो ट्रैफिक जैम हो गया या बस के क्यू, टिकट के लंबा लंबा क्यू, ये कोई इमेजिनेशन तो है नहीं ना, हम हर दिन ये देखते हैं एयरपोर्ट लॉन्च में बैठे हुए हैं, कितने घंटे बैठे रहते हैं और हम ये अपनी घड़ी की तरफ देखते रहते हैं। घड़ी की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम वहां रहे, तो ये हमारा पहला कारण है। तो अगर सच्ची में मेरे दोस्तों अगर हम वहां से निकल सकते तो हम वहां रहते क्या? अगर हमारे पास एक और विकल्प होता कि हम वहां नहीं रहना चाहें, अगर हम निकल सकते तो आप थोड़ी रहते वहां पे, आप तो भाग जाते वहां से। तो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसा कि हम बस की क्यू के लिए हम खड़े थे, बस के क्यू, बस की टिकट लेने के लिए। अब यही छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लें, तो अगर हमारे पास वहां से भाग जाने का विकल्प होता तो हम भाग जाते ना। तो भाग जाने का विकल्प क्या है? अगर हम ये एग्जाम्पल दे कि आप बस स्टैंड में खड़े हुए हैं टिकट के काउंटर के लिए क्योंकि आपकी बीवी कोई दूसरे शहर में है, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, आपके पास दूसरा विकल्प यही है कि अगर ये बस नहीं लेंगे तो आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा। अगर आपका जेब उतना गहरा नहीं है कि आप प्लेन की टिकट ले पाए तो आपके पास क्या विकल्प है? आपको तो वही रहना पड़ेगा ना। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन परमिट नहीं करती कुछ और करने के लिए तो उस परिस्थिति में आपको वही रहना है। तो जब तक आपके पास दूसरा विकल्प है तो ठीक है, आप लोग वहां से बाहर निकलकर अपने आंतरिक जो भी आपका अंदर का मन कहता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका अंदर का मन ये नहीं चाहता कि आप उन परिस्थितियों में रहे। तो ठीक है, आप ऐसे चीजों में तो आप ठीक है बाहर निकल जाएंगे, पर हमेशा हमारे पास वो विकल्प नहीं रहता मेरे दोस्तों। तो ऐसे परिस्थितियों में
जब आप वहां से निकल नहीं सकते और आपके पास जो आंतरिक द्वंद हो रहा है वो इतना वेस्ट है मेरे दोस्तों कि उसके कारण आप इतने डिसफंक्शनल हो जाते हैं। डिसफंक्शनल का मतलब ये है कि आप अच्छे रूप से कार्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसका भी एक कारण है, हम वो भी डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि हम क्यों में खड़े हुए हैं। गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी लग रही है, अभी अप्रैल का महीना है, 30-35 धीरे से आराम से बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो अगर हम इस परिस्थिति का थोड़ा सा और भी विवरण करें तो भाई चाय का टाइम हो गया है, जो काउंटर पे भाई साहब थे वो चाय पीने के लिए निकल गए, आपके आगे 20 लोग खड़े हुए हैं, तो आपकी तो बारी तभी आएगी जब आपके पास जो आगे के 19 लोग हैं उनकी बारी खत्म होगी, तभी आपकी बारी आएगी। अब ऐसे परिस्थिति में जब आपको टिकट लेना है, गर्मी हो रही है, आप बहुत ही विचलित हैं, अब आप अपने आगे देख रहे हैं कि 19 लोग और खड़े हुए हैं, ये भाई साहब चाय पीने गए हैं वो आते नहीं हैं, अब आप खड़े होकर इतना बेचैन हो जाते हैं, और जब आपको मालूम होता है कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो वो आपको और भी बेचैन कर देता है मेरे दोस्तों। इस ऐसे समय पर आप क्या कर सकते हैं? यही समय है मेरे दोस्तों जहां हमने जो स्वीकृति और समर्पण का के बारे में जिक्र किया था, जैसे हमने सोच के बारे में एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, सरेंडर, ये सब हमने सोच के बारे में किया था, हम इस परिस्थिति में भी उसका उपयोग कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ये ध्यान में ही नहीं, ये हमारे जिंदगी में जहां जहां हम ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम जब क्यू में खड़े हैं और हमारी सोच विचार इतनी ज्यादा मतलब हमारे फाइट के लिए उपयोग कर रही, तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं? तो जब जैसे ही आपके मन में ये बात आ जाती है कि ठीक है मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है, मुझे इसी बस स्टैंड में खड़ा होना है, तो धीरे धीरे आपको अपने मन में ये बात दोबारा याद करके ले आना है कि मेरे पास एक और विकल्प है जिसे हम कहते हैं स्वीकृति और समर्पण। अब इसका प्रयोग मैं इस परिस्थिति में कैसे करूं, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो थोड़ा आप जैसे ही आपके मन में ठीक है मेरे पास जो विकल्प है वो स्वीकृति और समर्पण का है, उस दृष्टि से जब आप अपने दिमाग को उस रूप से बाहर लाएंगे तो जब आप काउंटर पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, पहले तो आप वातावरण को देख लें, ठीक है गर्मी है कोई बात नहीं, मैं तो ज्यादा देर रहूंगा नहीं यहाँ पे, मेरे आगे तो सिर्फ 19 लोग ही हैं, अरे मेरे पीछे तो 50 लोग हैं, उनकी बारी कब आएगी, वो बेचारे इतने वेट कर रहे हैं तो मुझे वेट करने में, ये इसे ही कहते हैं हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। ये इसे कहते हैं कि जब आधे ग्लास का पानी आपके सामने रखा होता है तो आप उसे दो रूप से देख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ये ग्लास आधा खाली है, या आप ये कह सकते हैं ये ग्लास आधा भरा हुआ है। तो जब तक आप ये द्वंद में रहते हैं, ये युद्ध में रहते हैं, आप सिर्फ वो ग्लास का खालीपन ही देख रहे हैं। तो उस समय आपको दृष्टिकोण बदलना है कि आपको अपने आधे ग्लास खाली से आधा ग्लास भरा हुआ ये देखना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे आप जब अपने दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो जो काउंटर पे बैठा आदमी भी आपको अपना सगा भाई नजर आता है, क्योंकि एक बार आप उसकी तरफ से सोचना शुरू करते हैं कि मैं तो ब्रेकफास्ट करके अभी आया बैठ गया, वो बेचारा सुबह से बैठा हुआ है, वो शाम तक बैठेगा, मैं तो टिकट लेके 15 मिनट में यहां से चला जाऊंगा, आराम से अपने एसी बस में बैठूंगा और शाम तक मैं अपने पत्नी के पास रहूंगा, पर बेचारा वो इस गर्मी में सुबह से शाम तक उस काउंटर पर बैठकर टिकट देता जा रहा है, एक चाय वो क्या पीने चला गया, तो कौन सा पहाड़ टूट गया। जब हम इस तरह के सोच विचार से दूसरे आदमी के बारे में सोचने लगते हैं तो मेरे दोस्तों आज जो हमने मेडिटेशन में किया था ना, अनाहत चक्र से जो प्रेम और करुणा का हमने तरंग बाहर भेजा था, अब हम आंख खोलकर पूरी रूप से वही प्रेम का तरंग हम उस काउंटर के आदमी के पास भेज रहे हैं। तो जब हम ऐसे तरंगे, प्रेम और करुणा की तरंगे जब हम भेजते हैं तो वो दूसरे आदमी के लिए नहीं, वो तो उसका बेनिफिट करेगा, उसके पास वो पहुंचेगा, वो बहुत सुकून महसूस करेगा, बस पर उससे भी ज्यादा जो भेजता है उसके मन में जो शांति पैदा होती है वो वर्णनातीत है मेरे दोस्तों।
क्योंकि जो प्रेम बांटने में मजा है वो लेने से अधिक अधिक ज्यादा गुण है मेरे गुना है मेरे दोस्तों। ये जो प्रकृति है वो हमें बेशर्त इतना देती है, इतना देती है। कोई शर्त लगाती है क्या कि मैंने तुझे दो आम दिए, तू मेरे लिए चार बकेट पानी डाल? वो तो बेचारा कुछ नहीं बोलता, तू लेता जा लेते जा, पानी देता है तो ठीक है, मेरे पास जितनी शक्ति है मैं तुम्हें आम दूंगा। ये पूरी प्रकृति इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है कि मैं तुम्हें प्रेम से, करुणा से, मेरे से जो हो सके मैं करूंगा। इसीलिए ये पृथ्वी का, ये नेचर का बैलेंस इसलिए बना हुआ है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस सृष्टि में हर चीज अपना अपना काम करा जा रहा है, बिना कुछ आशा के सब अपना अपना काम। और वो बिना कुछ आशा के आप तभी काम कर सकते हैं जब आप, आपका हर कार्य प्रेम और करुणा के तरंगों पर आधारित हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि एक ऐसा उदाहरण है जो हमारे जिंदगी में अक्सर आता है। हम कितने बार क्यू में खड़े रहते हैं, कितने बार इतना गुस्सा होते हैं कि पीछे वाला धक्का दे रहा है, आगे वाला बढ़ नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने द्वंद को, जो आपका आंतरिक द्वंद है कि आप रहना नहीं चाहते उस परिस्थितियों में, उसको बदल सकते हैं अपने सोच से। और कौन सी सोच? वो है आपकी सोच स्वीकृति और समर्पण की सोच है। तो ऐसे परिस्थितियों में आप जब उसके, जब काउंटर में बैठे आदमी की तरफ से सोच पाते हैं, तब आपको लगता है कि ठीक है वो भी मनुष्य है, तो उसके ऊपर से गुस्सा निकल जाता है। फिर आप सोचते हैं कि क्या गर्मी मेरे अकेले के लिए है? ये जो 50 लोग ये लाइन में खड़े हुए, सब गर्मी तो सबके लिए एक तरह की है। फिर आप सोचते हैं कि मेरा आगे वाला खड़ा है, वो भी उसी गर्मी का महसूस कर रहा होगा। सो धीरे धीरे आप सबके बारे में अपना जब दृष्टिकोण बदलने लगते हैं, बदलने इसलिए लगते हैं क्योंकि वो आपको वो गैप कम करना है मेरे दोस्तों, जो आपका आंतरिक गैप है, जो आपके अंदर की परिस्थिति है और बाहर की परिस्थिति है। अगर उस गैप को आपको कम करना है तो उसका एक ही मार्ग है कि आप अपना सोच विचार धीरे धीरे बदलने की कोशिश कीजिए। और जितना आप जिस प्रेजेंट में हैं, उस प्रेजेंट को, उस परिस्थिति को आप जैसे जैसे स्वीकार करने लगेंगे, आप एक बार मुंह से भी बोल के देखें कि ठीक है मैं स्वीकार कर लेता हूं, मुझे अभी इसी क्यों में रहना है, ठीक है मेरे आगे सिर्फ 19 लोग हैं, मैं रहूंगा, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। आप जैसे ही ये बात या मन में बोले या बाहर बोले, आप महसूस करेंगे कि आपके छाती पे से आपको लगेगा कि एक टन का जो भार है मेरा निकल गया, क्योंकि ये हमारा क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। अंदर जो प्रॉब्लम, जितना भी हम अंदर फील करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है, उसे हम बदल सकते हैं, हम बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते मेरे दोस्तों। और आज दुनिया में अगर फ्रस्ट्रेशन है तो वो इसीलिए है क्योंकि लोग अपने परिस्थिति को जिस तरह से है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और स्वीकार करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो समझते नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। यही हो रहा है उनके जिंदगी में कि उनके सोच, उनके विचार, उनकी भावनाएं बाहर की परिस्थिति के साथ अलाइंड नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये जो हम समर्पण की बात कर रहे हैं, एक बात हमें एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। कितने बार हम, जैसे कि मैंने बताया, हम एयरपोर्ट लॉन्च में बैठे हुए हैं, हमें वहां रहना नहीं है, हम सोचते हैं अरे बाबा प्लेन निकल जाए तो मैं घर पहुंच जाऊंगा। अगर आप एक बात याद रखें कि आप जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, एक बात जरूर याद रखिएगा, आप उस परिस्थिति में इसलिए हैं क्योंकि आपको उस परिस्थिति में, उस क्षण में रहना है। उस पल आप और कहीं नहीं रह सकते। क्या मतलब है इसका? क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम सब जानते हैं हम अपना एक डिवाइन प्लान बनाकर इस भूमि पर आते हैं। उस डिवाइन प्लान को अचीव करने के लिए हमें मालूम नहीं वो प्लान हमारा क्या है, हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हम नहीं जानते। क्योंकि अगर हम जानते तो हम थोड़ी इतनी देर रहते, जैसे ही पैदा होंगे 5 साल में हम फिनिश करके टाटा बाय बाय करके हम भाग जाएंगे यहां से। तो इसीलिए माया और डिल्यूजन, जैसे ही हम इस मानव शरीर में आते हैं, पैदा होने के कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, ये जो माया का जो गेम है उसके हम भूल जाते हैं हम किस कारण आए। तो पर एक बात तो हम सब जानते हैं कि हमारा
हमारा एक सुप्रीम प्लान है, हर मनुष्य का एक डिवाइन प्लान है। तो जब आपका आपकी जिंदगी इतनी डिवाइन है, आपका प्लान इतना डिवाइन है, तो आप जहां हो वो आपके डिवाइन प्लान का एक भाग ही तो होगा। तो जब ये आप समझने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने जूम पर बैठी हूँ और अगर मैं ये सोचूं कि ये वर्कशॉप मेरा ये पांचवा वर्कशॉप है, ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे में, तो अगर मैं ये सोचूं कि अरे बाबा मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, और मैं अगर ये सोच रही हूँ कि मुझे, जैसे हमारे यहाँ पे अभी 5 बज रहे हैं शाम के, वैसे मेरे चाय का समय हो गया है और मेरे पतिदेव सो रहे हैं, अगर बेचारे वो जागे होते तो वो जरूर लेके आते मेरे लिए एक कप चाय। उन्हें मालूम है कि मैं चाय बहुत एंजॉय करती हूँ, और स्पेशली वर्कशॉप में अगर मैं रह जाती हूँ तो वो चाय लेके आते। अभी वो सोच रहे, सो रहे आराम से, क्योंकि आज बढ़िया लंच खा लिया हम लोगों ने। सुबह मेरा एक 4 घंटे का वर्कशॉप हो गया था, इंग्लिश वाला वर्कशॉप, हमारे अमेरिका और लंदन वाले दोस्तों के साथ। तो और दोस्तों कल एकादशी था, तो मेरा व्रत था एकादशी का, तो आपको तो मालूम है 36 घंटे बिना खाने पिए, उसके बाद फिर जब खाने के सामने बैठते हो तो क्या स्वर्ग दिखता है। तो आज मैं भी ऐसी बिल्कुल भरपेट खाकर आपके सामने बैठी हूँ। तो और सुबह वर्कशॉप हुआ, 4 घंटे वहां मैंने बोला। तो मैं ये बता रही हूँ, अगर मेरे भी मन में यही आया कि अरे बाबा मैं जरा वर्कशॉप जल्दी बंद करके जाकर चाय बना लूं, तो इसका मतलब यही है कि मेरे अंदर भी द्वंद्व शुरू हो गया है। क्या है मेरी बाहरी परिस्थिति? मेरी बाहरी परिस्थिति ये है कि मैं जूम में आप लोग के साथ बैठी हूँ। हालांकि जब मैंने ये वर्कशॉप शेड्यूल किया था, मुझे पूरी तरह मालूम था कि इस समय मैं यही रहूंगी, फिर जब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैं क्यों विचलित हो रही हूँ? इसलिए विचलित हो रही हूँ कि हालांकि 2 दिन पहले जब मैंने आपको वर्कशॉप का फ्लायर भेजा था, उस दिन तो मैं तैयार थी, पर आज मुझे नींद आ रही है तो मुझे एक कप चाय चाहिए। तो इस टाइम पर मेरा मन कह रहा है अरे भाड़ में जाइए वर्कशॉप, तो चुपचाप जल्दी से बंद कर दे, बोल दे जागरूकता भाग 3 खत्म, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे और आराम से जाकर अंदर चाय बना ले। मेरा मन ये कह रहा है मेरे दोस्तों। तो मेरा मन इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरी सोच इस तरह की है अभी कि यार ठीक है, बहुत कर लिया वर्कशॉप, 5 वर्कशॉप एक वीकेंड में बहुत ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं उस पर विचार करूं तो मुझे समझ में आ रहा है मेरा द्वंद्व कहां से हो रहा है, मैं क्यों रहना नहीं चाह रही। पर अगर मैं, जैसा कि मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया, अगर मैं ये सोचूं कि मेरा जो डिवाइन प्लान है, मेरे जीवन का जो आध्यात्मिक ध्येय है, जो एक्सपीरियंसेस के लिए मैं यहां आई हूं, उस तक पहुंचने का ये वर्कशॉप मेरा एक मार्ग है, तो मेरा मन एकदम विचलित नहीं होगा। मेरा मन ये नहीं कहेगा इसे बंद करके चाय पी ले, वो ये कहेगा कि इस क्षण तुझे इन्हीं लोगों के साथ रहना है, यही तेरा डिवाइन प्लान है, अभी तेरे डिवाइन प्लान में चाय का टाइम नहीं आया। तो जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं कि जहां भी आप हो आपको वही रहना है, आपको दूसरी जगह रहना ही नहीं है, कि मतलब आपके भाग्य में, हमें भाग्य की बात बहुत अच्छे से समझ में आती है क्योंकि हम यही शब्द का प्रयोग करते करते बड़े हुए हैं। तो अगर उस भाषा में हम बात करें तो हम ये कहें कि आपके भाग्य में आपको इस समय यही रहना है, आपका कहीं रहना उचित है ही नहीं। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है ना मेरे दोस्तों, फिर आप ये सोचेंगे भी नहीं कि मुझे और कहीं जाना है, कहीं रहना है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे डिवाइन प्लान में मुझे आज मैडम के ही वर्कशॉप में रहना और इधर मुझे भी समझ में आ जाता है कि मेरे डिवाइन प्लान में मुझे आप लोगों के साथ ही आज ये समर्पण का बात के बारे में जिक्र करते हुए बैठा। तो ये एग्जाम्पल मैं हंसी मजाक में दे रही हूँ मेरे दोस्तों, पर ये हम किसी भी जगह पर इसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप जहां भी हो ये सोचो कि आपको उस क्षण वही रहना है, वही आपके जीवन के गम्य तक ले जाएगा, जीवन का ये जो गोल है वहां तक ले जाने का वही क्षण वही करेक्ट है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें कहीं और होना चाहिए। आप कहीं और हो ही नहीं सकते, आपको जहां होना है आप वही रहोगे। अगर कोई भी आपसे अज्ञान से बोले कि अरे तुझे वहां नहीं रहना चाहिए था, कितनी बोरिंग वर्कशॉप थी, हमने तो इतनी अच्छी पिक्चर देखी, तो आप बेझिझक ये बोलिए कि मेरे डिवाइन प्लान में मुझे ये क्षण यही रहना है।
दोस्तों हम ये बातें कहते नहीं है ना इस दुनिया में, हम ये डिवाइन प्लान, हम बाहर जाते तो अपने शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच विचार कर मेटीरियल वर्ल्ड के हिसाब से बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ना मैडम को बोला था कि मैं वर्कशॉप में रहूंगी, तो अच्छा नहीं लगता ना वर्कशॉप नहीं अटेंड। नहीं, ऐसी बातें मत करिए, बिल्कुल दिल खोल के बोलिए कि मेरे जो दैविक प्लान है, मेरा जो डिवाइन प्लान है, उसमें यही लिखा हुआ है कि मुझे मैडम के ही वर्कशॉप में रहना है, तो मैं पिक्चर में कैसे रह सकती हूँ। आप जब ऐसी बातें खुलकर समाज में कहने लगेंगी, तभी जो बाकी लोग जो अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, उनको लगेगा क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे, तो आपसे पूछेंगे क्या बात कर रहे हो आप, दैविक प्लान क्या हो, क्या बकवास कर रहे हो। तब आप उनको बैठाओ कि ये होता है दैविक प्लान। आप जिस तरह से जिंदगी जीवित व्यतीत कर रहे हो, आप एक जगह रह रहे हो पर आपको वहां रहना नहीं है, इसलिए आप अपने मन में एक युद्ध पैदा कर रहे हो, आपके बेचैनी का कारण वो युद्ध है। तो मेरे दोस्तों, खुलकर ये आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हम दुनिया की यही प्रॉब्लम है कि जो हम मुट्ठी भर आध्यात्मिक लोग हैं, जब हम सामान्य लोगों के बीच में जाते हैं तो हम ये शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो समझेंगे हम पागल हैं। पागल तो वो लोग हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि वो आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। हम क्यों डरे, जब हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम किससे डरे बताइए, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे हम सत्य का जीवन व्यतीत करने की आदत कर लेते हैं, तब हमें दो रूप से जिंदगी जीवन करने की आवश्यकता नहीं। कौन से दो रूप, एक तो बाहरी दुनिया के लिए, एक हमारे आध्यात्मिक दुनिया के लिए, जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। हम एक ही बात बोलेंगे, चाहे बाहर जाए चाहे अंदर जाए, चाहे उन्हें समझ में आज आए या नहीं आए, आज नहीं आएगा पर उनको कल तो आएगा। अगर उनमें अज्ञान है तो दो दो चीजें होंगी, या तो वो आपके पास आके पूछेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, नहीं तो वो सोचेंगे ये मेरे पल्ले के बाहर बात है, नहीं मैं फिर से बात नहीं करूंगा। दोनों ही चीजें ठीक है, एटलीस्ट कुछ लोगों को तो जानने का अवसर मिलेगा। तो इसीलिए वापस अपने टॉपिक पे आए, तो इसीलिए इसका ये मतलब है कि ये बात एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है, पर जब हम समझ जाते हैं कि हम जहां भी हैं हमें वहीं रहना है, तो हम अपने अंदर के एटमॉस्फेयर को बोलते हैं शट अप, उसको बोलते हैं फालतू बातें नहीं, मुझे तो यही रहना है, तो तू अब ये मत बता मुझे कि कहीं और जाना है, तो हम उसको ट्रेन करने लगते हैं, ठीक है भाई आ जाओ हम इस परिस्थिति को गले लगाएंगे। तो पहले वो बोलेगा तुम्हारा सोच, अरे तू पागल है, कोई बात नहीं उसे ही कह दो ठीक है मैं पागल हूं पर तुझे तो मेरे ही साथ रहना है। कभी कभी मास्टर्स ये होता है, हम अपने आप से बात करने लगते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सोच विचार को भी तो हमें आगे ले जाना है ना। तो हमें उसको, जैसे आप कुत्ते को शाम को वॉकिंग पे ले जाते हो तो क्या करते हो, उसके गले में पट्टी बांध के आप आगे जाते रहते हो, कुत्ता आपके पीछे पीछे आता रहता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो आपका कुत्ता दूसरी जगह पे जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। इसी प्रकार हमारे सोच विचार, हमारे भावनाओं को भी हम एक अच्छे उसको कहते हैं ना लीश कहते हैं, जैसे कुत्ते का जो पट्टा होता है उसको लीश कहते हैं, उनको भी लीश में बांध के अपने साथ आगे ले जाइए। शुरू शुरू में थोड़ा वो प्रतिरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, परिस्थितियों का आलिंगन करते हुए, परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए, परिस्थितियों के सामने समर्पण करते हुए, उसमें कोई छोटी बात नहीं है, अगर आप परिस्थिति के सामने सर झुकाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप इतने समझदार हो कि आप समझ गए हो कि ये परिस्थिति आपके लिए ही बनी है। और जब आपके लिए बनी है तो फिर उसको तो गले लगा लीजिए, क्योंकि उससे जो आप शिक्षा लेंगे वो आपको जीवन के गम्य तक पहुंचाएगा, तो उसमें शर्म की क्या बात। जो परिस्थिति आपके लिए आई है उसके सामने आप प्रेम से श्रद्धा से जब आप समर्पण कर देते हैं कि ठीक है भाई जो भी तू है मैं तेरे साथ हूं, एकदम आंतरिक पूरा चेंज आने लगता है। धीरे धीरे आपके मन की भावनाएं आपको ही याद दिलाने लगती है, आप जा रहे हो अरे बहुत ठंडी है, कोई बात नहीं ठंड का दिन है पर आज तो हमें यही रहना है ना, तो प्रेम से हम सर्दी को गले लगा लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम आंतरिक बातें करते हुए अपने अंदर ये जो गैप है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर और ये जो अंदर के एटमॉस्फेयर के लड़ाई में हम सब लोग बिल्कुल व्याकुल हैं, उसको हम एकदम
उसको एकदम भगा सकते हैं मेरे दोस्तों। और आज इस दुनिया में जितना भी रेस्टलेसनेस है, जो लोग शराब पी रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये जो द्वंद है, जो युद्ध है, उन्हें नहीं समझ में आता कि उसको कैसे शांत करें। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ऐसे पदार्थों का सेवन करें ताकि हम थोड़े देर के लिए उससे बाहर रह सके। पर जब उसका नशा कम हो जाता है, फिर वापस तो फिर से इसी दुनिया में आते हैं। तो क्यों नहीं ऐसा नशा पैदा करे जो हमेशा हमारे द्वंद को एकदम संपूर्ण समाप्त कर दे। और वो नशा समर्पण का नशा है मेरे दोस्तों, और वो समर्पण का नशा स्वीकृति से शुरू होता है। तो पहले आप एक्नॉलेज कीजिए, जो भी है आपके सामने उसे पूरी तरह से एक्नॉलेज कीजिए। और ये परिस्थितियां ही नहीं है मेरे दोस्तों, जैसे जैसे आपके साथ आपके जीवन में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, आप जब ऑफिस जाते हो, आप ऐसे लोगों से काम करते हो, कभी कभी किसी लोग को देख के तो एकदम चिढ़ हो जाती है। आपके अपने ऑफिसों में तो ये हम अक्सर देखते हैं, या तो वो बॉस होगा, या आपके बगल का कोई कर्मचारी होगा, या आपके नीचे काम करने वाला कर्मचारी होगा, उसे देखते ही आपको लगता है अरे भगवान आज भी मुझे इसी के साथ काम करना है। और फिर जैसा ही वो सोच आता है आपके सामने तो क्या होता है, पूरा दिन बर्बाद। अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब जैसे आपका बॉस है, आप सुबह कॉरिडोर में अभी आ ही रहे, लिफ्ट उतर के उसको देख लिया, अरे भगवान मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। आपका बर्बाद ऑलरेडी शुरू हो गया, अभी तो उसने कुछ कहा नहीं, अभी तो वो कैबिन में भी नहीं गया है। पर क्योंकि आपका आंतरिक, ये जो आंतरिक दुनिया है, उसने ऑलरेडी निर्णय ले लिया कि मुझे बाहर की परिस्थिति अच्छी नहीं लग रही, बस वो गैप बहुत है मेरे दोस्तों की बेचैनी शुरू हो जाती है और इतनी सर दर्द, और उसके बाद आपको तो वहां रहने का दिल नहीं करता, और शाम को घर आते आते माइग्रेन। क्या है कितने लोग माइग्रेन से पीड़ित है मेरे दोस्तों, क्या है कारण माइग्रेन का? माइग्रेन का एक ही कारण है, स्ट्रेस। और स्ट्रेस का क्या कारण है, ये जो बाहर का ये जो पर्यावरण है, बाहर की परिस्थितियां हैं, और जो अंदर की जो परिस्थिति है, उन दोनों के बीच का जो ये जो द्वंद है, ये जो युद्ध जो चल रहा है, वही सबका कारण है। तो पहला हमें यही करना है कि इन दोनों को एक ही मार्ग पर चलाना है। किन दोनों को? हमारे बाहर की परिस्थितियों को और हमारे अंदर की दुनिया को, दोनों को हमें खींच कर एक ही मार्ग पर पहले लेके आना है। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, ये सब ये धीरे धीरे जो हम एग्जांपल्स बताते जा रहे हैं, और अंदर की दुनिया को जो बदलाव लाना है उसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। क्यों जागरूकता जरूरी है? क्योंकि जब तक आप जागरूकता के साथ नहीं रहोगे, आप अपने आप पर गौर भी नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर अगर कोई विचलन हो रहा है, कोई रेस्टलेसनेस हो रहा है। पहले आपको जागरूक रहना है ना, उसे पहचानने के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए। जो आदमी अवेयर नहीं रहता, उसको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि उसके मन में क्या हो रहा है। उसको यही मालूम पड़ता है कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। वो डिप्रेशन एंजाइटी वो कॉज थोड़ी है, उसका कारण कहीं और है। और कारण तक पहुंचने के लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जागरूकता से जो आदमी और जो प्राणी जागरूकता से रहने की आदत डाल लेता है, उसके जीवन में जब भी ये गैप आता है, ये जो द्वंद, जो ये युद्ध आता है, वो ऐसे ही पहचान लेता है। क्योंकि उसको आदत हो गई कि वो अपने अंदर के एटमॉस्फेयर को हमेशा अवेयरनेस से देखता है। अवेयरनेस, अवेयरनेस, इसलिए तो हम ये अवेयरनेस का वर्कशॉप कर रहे हैं, ताकि हम जब जीवन व्यतीत करें, हम बेहोशी में ना जिए, जो भी हम कर रहे हो पूरे अवेयरनेस के साथ करें, चाहे वो भला हो, चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, डजंट मैटर, आप जो भी बोल रहे हो पूरे अवेयरनेस के साथ बोले, आप जो भी सोच रहे हो पूरे जागरूकता से सोचे। ये नहीं कि अरे मेरे पास दिमाग है, उसका काम वो करेगा, मेरा काम मैं करूंगा, ऐसे नहीं। आप सोचे तो उसके साथ रहिए पूरे जागरूकता के साथ, आप अगर कुछ बोले तो अपने वाणी के साथ रहिए जागरूकता के साथ, अगर आप कुछ कर्म करें तो संपूर्ण रूप से उसके साथ रहिए। और यही है जो हम आज बात कर रहे हैं समर्पण का, वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम मन लगा के संपूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा आंतरिक जो एनवायरमेंट है, वो हमारे बाहरी एनवायरमेंट से अलाइंड नहीं है, एक वो एक ही भाव नहीं कर रहा, उसके साथ अलाइनमेंट नहीं है। हमारे बहुत सारे कारण है, तो हम एक एक कारण हम धीरे धीरे देखते जा रहे हैं। हमें ये आदत हो गई है कि हम जो भी परिस्थिति में हो, अभी परिस्थिति सामने आती भी नहीं है कि हम उसको लेबल कर देते हैं,
ये अच्छी परिस्थिति है, ये बुरी परिस्थिति है, ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये भला है, ये बुरा है। हम जैसी कोई परिस्थिति को सामने देखते हैं, तुरंत हमारा दिमाग लेबलिंग, इसको कहते हैं कि ठप्पा लगाना, लेबलिंग, लेबलिंग कहते हैं, तुरंत हमारा दिमाग काम करने लगता है कि ये तो मेरा काम है, मैं बताता हूँ। ये पिछली बार जब हम यहाँ गए थे, जैसे हम सर्कस गए, तो अभी हम सर्कस का गेट भी नहीं खोलेंगे, हमारा दिमाग काम करने लगता है, अरे फालतू में आए, पिछली बार आए थे तो मैं गिर गया था यहाँ पे, मेरा पैर टूट गया था, बिल्कुल एक नई कहानी आ जाती है। तो तुरंत हमारा मन बता देता है कि ये जगह बुरी जगह है। फिर हम जैसे ही सर्कस के अंदर घुसते हैं तो हमारा आंतरिक एटमॉस्फेयर ऑलरेडी बुरी एकदम बोल रहा है कि ये जगह गलत है, ये जगह गलत है। तो आप कैसे रह सकते हो वहां पे? मैं तो ऐसी एग्जांपल बता रही हूँ। जब भी आप कोई परिस्थिति से गुजर रहे हो, अगर उस सबको आप परिस्थिति का संपूर्ण रूप से जानकारी लिए बिना ही अगर आप अपने दिमाग का उपयोग करके उस पर ठप्पा लगाते जाएंगे, तो ये जो आपकी ये जो लाइक और डिसलाइक की रिलेशनशिप है, मतलब मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, इसके कारण ही आपके अंदर की ये कॉन्फ्लिक्ट आती है। कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने बताया था ना, जो ये द्वंद पैदा हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपके बाहर की परिस्थिति और आपके अंदर की परिस्थिति में, ये आपके ये जो मानसिक आदत है, ये जो आदत मैंने बताई कि जो भी देखे आप उसको आप लेबल लगाना शुरू करने की जो आदत है, उसी के कारण हो रहा है। तो फिर क्या है उसके लिए आपको क्या करना है? आप जहां भी जाए, जैसा भी हो, उसे उसी रूप में देखिए। कुछ देर आपके दिमाग का प्रयोग करने की कोशिश ना करें। बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रही मेरे दोस्तों इजी है, पर ट्राई तो कर सकते हैं ना। उस परिस्थिति को, जैसा भी हो वो परिस्थिति, बिल्कुल उसको अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने आंखों से देखे और कानों से सुने, बस दिमाग का उपयोग नहीं करें। कुछ कुछ मिनट, कुछ पल, जब आप चीजों को इस रूप से देखना शुरू करते हैं तो उसमें आप एक नयापन महसूस करेंगे। हर बार जब उस चीज को देखोगे तो उसमें आपको एक नयापन महसूस होगा। मेरे दोस्तों, मैं ये छोटा सा ट्रॉफी मेरे बगल में पड़ा हुआ है, जब मैं ये ट्रॉफी को देखती हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में ना ये पूरे डब्बे डब्बे भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में हर साल 10-15 ले आते हैं, उनको उनके स्कूल में बहुत देते हैं ट्रॉफी। तो हमारे घर में तो थोड़ी चिड़ भी है इसको, मैं इसको पेपर वेट जैसा यूज कर रही हूँ, गलत बात है, पेपर वेट जैसा यूज नहीं करना चाहिए, पर अभी तो मैं उसको वैसी कर रही हूँ। तो जैसे मैं इसको देखती हूँ ना मेरे दोस्तों, थोड़ी मेरी चिड़चिड़ाहट है, क्योंकि घर में 50 है, मैं मुझे इधर उधर पड़े रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, जब भी मैं इसे देखूंगी तो मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, क्योंकि घर में इतना ज्यादा हो गया कि कहाँ रखना समझ में नहीं आ रहा। पर अगर मैं इसको एक बार गौर से देखूं तो आप विश्वास नहीं करोगे, इसमें ऐसी इतनी चीजें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी गौर से, सच्ची में कह रही हूँ दोस्तों। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसके चारों ओर सिल्वर लाइनिंग है, मैंने इसको कभी इतने गौर से नहीं देखा। अभी आपसे बात करते मैं इसको गौर से देख रही हूँ, और इसके अंदर एक मधुमक्खी की एक बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है, और मैंने तो कभी भी नहीं देखा इसको इतने गौर से, अभी आपसे बात करते देख रही हूँ। इसलिए मैं ये बता रही हूँ दोस्तों कि जब भी आप परिस्थिति को गौर से सिर्फ देखने और सुनने की कोशिश करते हैं बिना दिमाग का उपयोग करते हुए, तब आप हर बार उस पे एक नयापन महसूस करेंगे, नयापन महसूस करेंगे। और जहां नयापन होता है वहां दिमाग का उपयोग नहीं होता, क्योंकि दिमाग को नई चीजों का एनालिसिस करना आता नहीं है। दिमाग वो ही चीज करता है जो उसको पुराना हो, इसलिए वो दिमाग में अपने सारे सेल्स में सब जगह जाके खोजना शुरू कर देता है, अरे मैंने इसे पहले कहां देखा था, जब देखा था तो क्या हुआ। सो दिमाग जब भी कोई चीज को देखता है तो एकदम अंदर चला जाता है ढूंढने के लिए, पुरानी कहानियां। पर उस टाइम पे हमें कहानियां नहीं ढूंढना, हमें उस पल में रहना है, ये याद रखते हुए कि हमारे डिवाइन प्लान में हमें इसी पल के साथ रहना है, हमें कोई पुरानी कहानियों की जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरत है वहां ले आइए पुरानी कहानियां। अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है पुरानी कहानियों के आधार पर तो जरूर, पर हर चीज पर अपने दिमाग का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में हमें इतनी आदत हो गई है कि आधे से ज्यादा जिंदगी हमने यही कहते हुए बिता दिया कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती, हमें ये पसंद नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हमारे जिंदगी में नहीं का उपयोग इतना ज्यादा होता है कि आप लोग सरप्राइज हो गए। हमारे यहाँ पे जो किंडर्स होते हैं, जब
बच्चों को हम किंडर नहीं, जैसे कि चाइल्ड केयर में बच्चों को भेजते हैं और वो बातें करना शुरू करते हैं, पहली बात वो मामा और पापा के बाद वो पहली बात वो सीखते हैं, वो बोलते हैं नो। आप विश्वास नहीं करोगे, हर बच्चा पहली बात वो नो से शुरू करता है, क्योंकि वो उसकी चारों ओर दुनिया में वो कुछ भी छूता है तो उसकी माँ बोलती है नो, वो ये करता है तो उसकी माँ बोलती है नो, फिर वहां जाते हैं तो नो। हम लोग यही तो बच्चों को बोलते हैं, नहीं नहीं, अरे बेटा ये नहीं छूना, अरे बेटा वो नहीं करना, अरे बेटा ये नहीं, इतना नहीं 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 हम सुनते हैं। तो आजकल ये चाइल्ड केयर में ये बात इतनी ज्यादा इन लोगों ने गौर से देखी, तो ये लोग बच्चों का ऐसे ऐसा रूप से कर रहे हैं ताकि वो नहीं का प्रयोग ना करे और यस का प्रयोग ज्यादा करे। क्योंकि जहां जहां हम नहीं का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, अंदर क्या होता है, अंदर हमारा ये जो ईगो है वो एकदम फुल्ली एक्टिव रहता है। क्यों एक्टिव रहता है? क्योंकि ईगो को वर्तमान में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर हम वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं और वर्तमान में रहने, वर्तमान मतलब इस क्षण में रहने की आदत कर लेते हैं, प्रेजेंट में रहने की, तो फिर ईगो जीवित नहीं रह सकता। हमारा जो ईगो होता है ना, हम सब जानते हैं ना ईगो क्या होता है, हमारा जो ईगो है, हम सब में इतना इतना ईगो है तो हम ये तो नहीं कह सकते हम नहीं जानते। तो हमारा ईगो को बस अपने कहानियों में, अपनी दुनिया में रहना बहुत पसंद है, इसलिए जब भी हम कुछ देखते हैं तो वो अपनी दुनिया से एक कहानी लाके हमें दे देता है कि कहानियों में ही ईगो जीवित रहता है। जिस दिन जिस क्षण हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें वर्तमान में ही रहना है और वर्तमान में हम एक ही रूप से रह सकते हैं, कैसे, नो से नहीं यस से। जो भी आपके सामने परिस्थिति आती है उसको बोलिए यस यस। जब आप यस 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 को आदत कर लेते हैं मेरे दोस्तों, उसी क्षण आपकी ईगो वीक हो जाती है, उसका जो बल है वो क्षीण हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं मेरे दोस्तों पर हम बिना जानकारी रखते हुए इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब हम समझना शुरू कर देते हैं कि हम जिन पदों का उपयोग कर रहे हैं, जैसी बातें बोल रहे हैं, उससे हमारी जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है, तो हम धीरे धीरे अपने जिंदगी में समर्पण के मार्ग में चलते हुए, ये सब चीजें करते हुए हम समर्पण के मार्ग में चलने में बहुत सुविधा हो जाती है हमें। तो याद रहे कि जो भी परिस्थिति आपके सामने आए, जैसे ही आपका दिमाग कहता है नो आई डोंट लाइक इट, आप उसको बगल में रखकर संपूर्ण रूप से सर झुका के कहिए यस यस यस। जब आप ये आदत करने लगते हैं, अगर आपको सर दर्द हुआ तो आप नो नहीं बोलिए, उसको प्यार से बोलिए यस। जैसे कि आप सोच विचार आते हैं उसको प्यार से एक्नॉलेज करके, उसको गले लगा के आप उसको बगल में रख देते हैं, वो फिर वापस नहीं आता। इसी तरह आप लोग प्रयोग कीजिए मेरे दोस्तों, एक्सपेरिमेंट कीजिए कि जब जब आपके पास कोई भी असुविधा आए, ऐसी परिस्थिति आए जो आपको विचलित कर रही है, उसको एक बार आप संपूर्ण रूप से यस, आप सर झुकाकर यस कीजिए, उसको प्रेम से गले लगाइए। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो प्रेम के आगे झुक न सके मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। तो इस सत्य का प्रयोग आप अपने जीवन में कीजिए, भले ही वो कितनी भी असुविधा वाली परिस्थिति क्यों ना हो, पहले आप अपना यस से शुरू कीजिएगा। तो अब हमारी जिंदगी में हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, किसी से भी पूछिए, बच्चे से पूछिए, बूढ़े से पूछिए, सब एक ही बोलता है, अरे मेरे पास मुझे इतना काम है, मुझे इतना काम है। आजकल तो बच्चों को भी पूछिए, हर छोटा बच्चा भी ये कहता है, ओह आई हैव गॉट सो मच टू डू, क्या करना है, अरे मुझे होमवर्क करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे टेनिस जाना है, मेरी माँ मुझे पियानो के लिए ले जाती है। आजकल तो बच्चों का भी जीवन दुर्भर हो गया है, क्योंकि सुकून से बच्चों को भी माता पिता बैठने नहीं देते। आजकल की दुनिया ये है कि जो भाग रहा है वो बढ़िया है, वो सक्सेसफुल है, जो खाली बैठा है वो यूजलेस है। आजकल की जिंदगी में यही डेफिनेशन है। तो आप जिससे भी पूछो, आप अपने दोस्तों से पूछो, बोलेंगे आई हैव सो मच टू डू, मेरे पास इतना काम है, मुझे कितना कुछ करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते जाते गाड़ियां चलाते हैं, या अपने क्लाइंट से बात करते हैं, जाके कंप्यूटर बैठे हैं, या फिर छोटे छोटे काम कुछ है, घर के काम, सब्जियां लेके आ रहे हैं, ये इसी चीजों से तो भर के रखा है हमने अपनी जिंदगी। पर एक
एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, ये जो बहुत सारे कामों से और बहुत सारी चीजों से आपने अपनी जिंदगी भर के रखी है ना, जो आप एक के बाद एक करते जा रहे हैं, जब वो चीज आप कर रहे हैं तो क्या आप आपके साथ हो? आप प्रश्न कीजिए, ये इसका क्या मतलब है आप अपने साथ हो? मतलब मैं ये पूछ रही हूं कि ये जो अनगिनत चीजें जो आप सुबह से शाम तक करते हो, ये एक्टिविटी करते समय आप बिना कॉन्फ्लिक्ट के हो क्या? या फिर ऐसा कर रहे हो कि आप कर तो रहे हो काम, पर आपका मन कह रहा है कि मुझे कुछ और करना है। आप बर्तन मांज रहे हो पर आपका मन कह रहा है कि अरे मेरे टीवी सीरियल का टाइम हो गया, या मेरे दोस्त ध्यान कर रहे हैं, मुझे यहाँ रहना नहीं है। या आप खाना बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं भगवान ये खाना कब बने, मैं यहाँ से कब हटूं। कितने बार दोस्तों हम जिंदगी तो पूरे एक के बाद एक काम 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 काम, पर जो काम आप कर रहे हो क्या आप फुल अलाइनमेंट के साथ कर रहे हो? क्या आप अपने साथ रहकर काम कर रहे हो? ये बहुत जरूरी है हर आदमी को ये क्वेश्चन करना। जो भी करो आप, doesn't matter what you do, जो भी आप काम करें, इस प्रश्न का पूछना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का पूछना क्यों इस प्रश्न का पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कार्य में क्या आप समर्पण भाव से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसा जब भी मैं बोलूं कि समर्पण भाव, इसका मतलब आप बिल्कुल उस कार्य को संपूर्ण स्वीकार करके उसको स्वीकृति के साथ एकदम उसमें दिल लगा के कर रहे हो या नहीं। ऐसा मैंने क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि हमारे हमारे भाषा में हमारे हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी पिक्चर निकली थी, उसमें एक बहुत बड़ा डायलॉग है, इतना फेमस हो गया है वो कि आप आंध्रा में किसी भी तेलुगु स्पीकिंग वाले से पूछोगे तो वो तो एकदम डायलॉग बोल देता है। पर वो डायलॉग इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वो ये कहता है कि आप कोई भी कार्य अगर मन लगा के करें तो वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। मन लगा के किया हुआ कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। ये जब ये तेलुगु में बोलते हैं तो बड़ा राइम होता है और वो बड़े पांच शब्दों में बड़ा सुंदर लगता है बोलते हुए। मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो उसका वो मजा नहीं आया, पर उसका यही मतलब है कि जब आप मन लगा के कुछ काम करते हो तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगता, ये उसका एसेंस है। तो जब आप कोई भी काम मन लगा के करते हो, वही उसका मतलब क्या है, आप पूरे समर्पण के साथ वो काम कर रहे हो। So, जब आप समर्पण के साथ काम करते हो तो क्या होता है, वही आपका सक्सेस है। तो वही आपका सक्सेस डिटरमिन करता है। सक्सेस डिटरमिन करना मतलब जब आप मन लगा के काम नहीं कर रहे हो उसका मतलब क्या है, आपको वो काम बहुत दिक्कत लगेगा, तो आपको उस काम में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो एफर्ट लगाना मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होगा वो काम। तो आपको ये लगेगा अरे भगवान मैं कब ये काम कंप्लीट करूंगा, तो आपको वो काम कंप्लीट करते करते कहीं फ्यूचर में आपको उसका सक्सेस दिखाई देगा। पर जब आप मन लगा के समर्पण के साथ काम करते हैं तो आपको वो काम का पूर्ति फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे दोस्तों जो समय है वो साइकोलॉजिकल समय है। आप एक फिजिकल समय होता है जो आप घड़ी में देखते हैं, पर हम सबके पास एक समय होता है जिसको हम कहते हैं मानसिक समय, उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। जब भी आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आप हमेशा कहते हो अरे मुझे समय मालूम ही नहीं पड़ा। और जब आप ऐसा काम करते हो जहां आपके बीच में द्वंद चल रहा है, जो आप हमने अभी तक बात किया, तो आपको लगता है ये भगवान ये काम कब खत्म होगा, ये घड़ी आगे जाती ही नहीं है। तो कई बार ध्यान में हम लोग जब बैठते हैं तो ऐसे हम बैठे और जब हम आंखें खोलते हैं हमें लगता है अरे दो क्षण हुए होंगे, पर घड़ी देखते हो तो क्या लगता है एक घंटा हुआ है। तो जब आप समर्पण के साथ काम करते हो तो समय हमारे लिए रुक जाता है। कौन सा समय? हमारा मानसिक समय रुक जाता है। तो जब उसका फल हमें प्राप्त होता है वो इसी क्षण प्राप्त होता है। हमारे मानसिक समय जब आगे नहीं बढ़ता तो हमें लगता है अरे मुझे तो कुछ एफर्ट का एहसास ही नहीं हो रहा, कितना मजा आ रहा है। जैसे मुझे गाना गाना पसंद है, अगर मुझे कुछ नया गाना सीखना पड़े, अगर मैं आधा घंटा भी बैठ गई तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मालूम पड़ता। और जब मुझे गाना आ जाता है, मैं गाने लगती हूँ, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ अरे इतनी जल्दी मैंने गाना सीख लिया। हालांकि मैंने जल्दी नहीं सीखा, अगर मैं फिजिकल वॉच देखूँ तो आधा घंटा हो गया होगा वहां पे,
पर साइकोलॉजिकल टाइम में मेरे पास टाइम एकदम एक क्षण में मेरा काम हो गया। अगर वही काम मैं बिना समर्पण के, बिना, अगर वो काम मेरे मुझे पसंद नहीं है और मैं मन लगा के नहीं कर सकती, तब देखिए मैं हर मिनट काम करते करते भले ही उतना ही टाइम लगा होगा आधा घंटा, पर मेरे लिए पल पल दुर्भर हो जाएगा। तो मन लगा के काम करना, हमारे पूर्वजों ने हरदम यही कहा, जो भी आप करो मन लगा के करो। क्यों मन लगा के करो? क्योंकि जब आप मन लगा के काम करते हो मेरे दोस्तों, आप समर्पण के साथ करते हो, आप अपने अंदर को, अंदर का ये जो एनवायरमेंट है उसको बाहर के एनवायरमेंट के साथ एक कर देते हो। और जब जब आप अपने अंदर के एनवायरमेंट को बाहर के एनवायरमेंट के सामने समर्पण कर देते हो, आप अपने लाइफ की जो ब्लूप्रिंट पर चल रहे हो, जब आप अपने लाइफ की ब्लूप्रिंट पर चल रहे हो तो पूरा विश्व आपका साथ देगा। आप अकेले नहीं, पूरा विश्व, पूरी प्रकृति आपके साथ होगी। तो ये आपकी एनर्जी अकेली थोड़ी है, ये आपकी एनर्जी है, आपके विश्व की एनर्जी है, ये पूरा ये जो प्रकृति है वो आपकी सहायता करेगा। पर इसीलिए ये समर्पण का ज्ञात होना इतना जरूरी है मेरे दोस्तों। हम लोग इतना फाइट करते हैं अपनी जिंदगी में अपने परिस्थितियों को बदलने के लिए। मैंने कई बार कहा ये बातें, ठीक है अगर आप बदल सकते हो तो बदल लो, क्योंकि हर आदमी को लगता है मुझे कुछ करना है मैं तो बदल लूंगा। ठीक है, अगर हो सकता है बदलो, अगर नहीं हो पाए तो विचलित ना हो, क्योंकि अगर कभी भी आपको ये लगा कि मैं अपनी परिस्थिति नहीं बदल पा रहा हूं तो बड़े खुश हो जाइए कि आप, आपको समर्पण का एक्सपेरिमेंट करने का एक और मौका मिल गया है। आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे समर्पण से, उतना उतना वो आपकी जिंदगी का एक भाग हो जाएगा मेरे दोस्तों। सो जब भी हम नो बोलते हैं, जब भी हम अपने परिस्थितियों को देखकर कहते हैं अरे मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये नहीं चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन की ये जो जीव शक्ति की ये जो धारा जो हमारे अंदर बह रही है उसके विपरीत दिशा में हम तैर रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक नदी बह रही है, उसका उसकी धारा बड़ी जोरों से प्रवाह हो रहा है, अगर आप उसके विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो कितनी कितना आपका एनर्जी वेस्ट होगा। आपको इतनी प्रॉब्लम होगी कि आप उस नदी के अगेंस्ट में जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जिंदगी दुर्भर इसीलिए लगती है जब हमारे यहाँ द्वंद होता है, हमारे यहाँ एनर्जी ड्रेन होती रहती है। जब भी हम बाहर की परिस्थिति और अंदर की परिस्थिति में डिफरेंस देखते हैं, गैप देखते हैं, और वो गैप पूरा नहीं होता तो हमारे शरीर में जितना कुछ एनर्जी है उस गैप की पूर्ति में ही पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाता है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि नदी के अगेंस्ट अगर आपने तैरने की कोशिश की तो उस नदी का जो प्रवाह होगा उसके विपरीत जब हमें तैरना होगा वो बहुत बहुत मुश्किल होगा। इसके विपरीत अगर आप जीवन की ये जो प्रवाह चल रहा है, ये विश्व शक्ति का जो प्रवाह चल रहा है आपके अंदर, अगर आप उसको पूरी तरह से समझ कर उसके साथ बहने की कोशिश करें तो आपकी एनर्जी, आपकी थोड़ी सी एनर्जी काफी है। क्यों? क्योंकि आपकी बाकी शक्ति आपको विश्व शक्ति है, वो जो धारा बह रही है वो लेके जाएगी। उस विश्व शक्ति को मालूम है आपको कहाँ जाना है, आपको नहीं मालूम कहाँ जाना है। नदी को मालूम है उसको कहाँ पहुंचना है सागर में, आपको नहीं मालूम। आप बस बैठ जाओ नदी में अपनी किश्ती लेकर, वो ले जाएगा आपको सागर में, है ना, अगर सागर ही उसका डेस्टिनेशन है। तो इसी तरह आपके अंदर जो जीव शक्ति बह रहा है उसको मालूम है आपको कहाँ लेके जाना है। आप क्यों बेकार में उसके अगेंस्ट जाकर अपने जीवन की एनर्जी को इस तरह से व्यर्थ करें, है ना मेरे दोस्तों। तो ये बहुत जानने की जरूरी है कि हमेशा हम अपने अंदर जो ये हमारा रेजिस्टेंस है, हमेशा एक बार नहीं मेरे दोस्तों, पूरी जिंदगी भर हम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस उसके विपरीत विपरीत, जहां भी हो हमें वहां पसंद नहीं है, ऐसा सोच सोच कर हम लोग अपनी जिंदगी को व्यर्थ कर रहे हो। अगर जिस दिन आप ये पहचानने लगते हैं कि आप अपने जीवन के प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ही आपके मन में आ जाता है आपको मालूम है क्या करना है, तुरंत आप जान जाते हैं कि यहाँ मुझे स्वीकृति और आत्मसमर्पण का प्रयोग करने की आवश्यकता है।
तो मेरे दोस्तों मैं इस पॉइंट पर यहाँ रोक दूंगी, क्योंकि हम लोग 1.5 आवर्स ये टॉपिक पे बोल चुके हैं। ये टॉपिक इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है और ये हमें अपनी जिंदगी में जीने की इतनी अच्छी परिभाषा देगा कि हमारी जिंदगी में हमें कभी भी विचलता नहीं होगी, हमें कभी नहीं लगेगा कि अरे ये क्या जिंदगी है। आज हम इतना अद्भुत टॉपिक कवर कर रहे हैं जो जागरूकता का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। तो अभी समर्पण कंप्लीट नहीं हुआ मेरे दोस्तों, समर्पण कंप्लीट करते करते शायद और 2 क्लास लग जाएंगे, पर किसको जल्दी है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो फिर से हम लोग अगले सेशन में जागरूकता का ये चौथा भाग होगा, जो समर्पण का भाग, हम उसे पूर्ति करेंगे। तो मैं अपना टॉपिक डिस्कशन यहाँ खत्म करती हूँ, और यहाँ आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप अपना फोन अनम्यूट करके ऑडियो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये प्रश्न और जवाब का टाइम है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको टॉपिक बढ़िया समझ में आ गई है या नहीं समझ में आई है पर आप नहीं बोलना चाहते तो कोई फोर्स नहीं है, आपको धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सब चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। अगर प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। हाय मैम, नमस्ते जी। गोपाल जी, हेलो गोपाल जी। हाँ, मुझे प्रश्न नहीं है लेकिन आज का मेडिटेशन एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बोलिए सर। यस मैम, आज जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ का आज का एनर्जी बहुत बढ़िया है, तो वो सही है। एक्चुअली वो एक्सपीरियंस मैंने ले लिया, जो आपने जो बोला था कि नीला कलर हमें हमारे अंदर देखना है हार्ट के यहाँ पे, और फिर वो एनर्जी बाहर छोड़ना है। लेकिन वो कहने के पहले ही वो मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली वो ये हो गया कि मेरे हाथ जो हाथ हमने अंदर उंगलियां रखी थी तो वो ऑटोमेटिकली निकल गई थी और मेरे हाथ ऐसे खड़े हो गए थे ऑटोमेटिकली। और मुझे यस मैम, और उस टाइम मुझे पत्री जी सर का मुझे ये ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है सर, पत्री जी सर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे सामने आप आ गई और मैंने आपको गले से लगा लिया। और सच में मैडम, मैं क्योंकि आप जैसे गुरु माँ है और ऐसे आपका जो डेडिकेशन है उसकी वजह से ये आया है, नहीं तो ये नहीं आता था, और इसलिए ये शब्द भी कम है आपके लिए। लेकिन तो ये और ये सब एनर्जी का ही कमाल है मैम, आज का जो एनर्जी है वो सच में बहुत स्ट्रांग है। और आप जो काम कर रहे हैं मैम, जो डेडिकेशन जो है ना, वो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं रहता है मैम। कोई बोलेगा कि मैं ये एक वर्कशॉप ले रहा हूँ, ये वर्कशॉप कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग नहीं है कि जो निस्वार्थ से काम करते हैं, तो वो बहुत कम लोग है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो बस थैंक यू और क्या कहूँ। और पत्री जी सर का धन्यवाद, एक्चुअली हम उन्होंने जो ये मिशन शुरू किया है उसकी वजह से हम आज जुड़े हुए हैं सब लोग, और ये सच में बहुत अच्छा है। और मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि हम सब साथ में है, और ये आज का जो माहौल है बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू मैम। थैंक यू गोपाल जी, आपने तो हमें भी इतना भावुक कर दिया कि आपका प्रेजेंस हम सबको फील हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना अपना अद्भुत अनुभव हम सब से बांटा। मुझे आप सब लोग मुझे अपने बच्चे लगते हो, पता नहीं क्यों, आपने गुरु माँ कहा पर मैं आपको सबको अपना बच्चे ही मानती हूँ। ऐसा ही भाव आता है आप सब लोगों के लिए। जब यहाँ बैठती हूँ तो कभी कभी मैं आप लोग को जोर से भी डांटती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे भी एग्जाम्पल देती हूँ, पर लगता है ऐसे मैं अपने सारे बच्चों के साथ बैठकर ये वर्कशॉप कर रही हूँ। आज आपका एक्सपीरियंस से मैं धन्य हो गई, मुझे इतनी खुशी हुई कि आपको इस तरह का विजन मिला। भगवान करे आपके ध्यान की साधना एकदम सफलीकृत होए और हम आपके एनर्जी से कनेक्ट रहे। गोपाल जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सरोज जी नमस्ते, बोलिएगा। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, गोपाल जी का एक्सपीरियंस सुनके एकदम मन बिल्कुल ऐसा भर गया है कि लग रहा है जीवन में और क्या चाहिए, मेरे जिंदगी के लिए और मुझे
कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम कंप्लीट हो गई हूँ मैं गोपाल जी आपके एक्सपीरियंस से। बोलिए सरोज जी। मैम आप इतना मेहनत, आप जब आप इतना मेहनत कर रहे हो और उससे हम लोग अगर थोड़ा सा रेस्पॉन्स देते हैं सच में बहुत हमें तो खुशी होती है और हमसे ज्यादा खुशी आपको होती है कि हमने आपकी बातों को ध्यान से सुना। आज आपने जो बोला आप इतने घूमने जो रेस कर रहे हो, हम जैसा भी भावना रखते हैं वो डबल होते मिलेगा। तो ये चीज सुबह से आपने मैसेज में भी डाला था, तो सुबह से आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मुझे कुछ वैसा निकले गए। और अभी तो मेरे बहुत जरूरी है, हमेशा हमारे अंदर से थॉट चलता है बाहर और चलता है। तो जानते हैं हमें यही समझना है कि मेरी दोनों भावना एक होगी तभी मैं ठीक रह सकूंगी, नहीं तो वो बंद करता रहेगा कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। और सबसे आपने जो एग्जाम्पल दिया माइग्रेन, मैं माइग्रेन सफर करती हूँ इसीलिए मेरे को लगा कि इसी कारण है इसी की जगह है। तो मेरे को दोनों चीजों को प्रभावित रूप से रहे हैं। और जैसा कि समर्थन का आपने इतना एग्जाम्पल दिया, सच में बस का टैक्सी ले लो, एयरपोर्ट ले लो, ट्रक वाला काम ले लो, अगर इसको तो चेक करेंगे ना तो बहुत अच्छी जिंदगी रहेगी। अच्छा कंप्लेनिंग बॉक्स ही बनते रहते हैं, खाली कंप्लेनिंग आएगा मन में लगेगा कि कितनी अच्छा नहीं हो रहा है, बट ये सुसाइड करने को भी मन कर सकता है, इतना पागल हो जाता है जिससे हम लोग इतना समय बने। और थैंक्स टू यू आप दिल खोल के हम लोग को बताते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमने के मन अंदर ही करता रहता है, उसको हम लोग कितनी बार मैं मुर्दम भी करती हूँ उसको बाद में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि सच में कितना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। आपकी बातें सुन सुनते मेरा बेटा भी आज 4 दिन से मॉर्निंग है वाइट में, मैं इसे सूरत देखने तरफ गई थी, मगर आज मैंने ये समर्थन किया कि आज रात गई है, मैं आपको ब्लेस तो कर सकती हूँ इतना दूर बैठा है इतना अच्छा कर रहा हूँ। 4 दिन से मेडिटेशन में कोई डे ऑफिस वर्क भी एकदम उसने वो कर दिया कि अभी मैं कोई आंसर नहीं करूंगा, 4 दिन तक उसने वन करा आ नहीं सकता यहाँ पे। सरोज जी आपका फोन बहुत इको हो रहा है, आप स्पीकर से हटा के बोलिएगा। बोलिएगा स्पीकर पे मत रखिएगा, स्पीकर पे नहीं है। हाँ हाँ अब बात करिए। हाँ बोलिए सरोज जी। सब में बहुत टचिंग था और रियल लाइफ में बहुत काम कर रहे, मेरे साथ भी हुआ, मैं नए घर में आई हूँ तो मेरा मन पुराने घर में जाता है, फिर मैं देखती हूँ दिन भर में उनको बोलती हूँ देखिए घर में ज्यादा लगती है यहाँ होता है, मगर आपने बोला कि वो काउंटर पे देखते वो कितनी देर से रहता है, अब मेरे पीछे 50 और आगे 20 है मेरा मीठा नंबर है, तो वो तो सुबह से वो काम कर रहे हैं, लगा कि आपको मुझे बहुत इंकरेज करती है। अच्छा कि आपका एग्जाम्पल देने का जो तरीका है ना माइंड ब्लोइंग, आप जल्दी से आ जाओ इंडिया और हम उसे मिले, बहुत अच्छा क्लास होता है। थैंक यू वेरी मच सरोज जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म बहुत एनर्जी लेके आती हैं, थैंक यू वेरी मच। मैम मुझे भी कुछ बोलना है। बोलिए मैडम। मैं कृष्णा पसारी, मैं कलकत्ता से हूँ। नमस्ते कृष्णा। सरोज जी ने मुझे आपके बारे में बताया था, मैं आपका सुनती हूँ, आज आपकी बातें एकदम दिल को छूने वाली है, मैंने ऐसा चाहिए हमें आपकी रिकॉर्डिंग चाहिए जिसको हम लोग रोज सुने तब हम लोगों में कुछ परिवर्तन आएगा, एक दिन सुनने के बाद तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये बातों हम लोगों को रिकॉर्डिंग दीजिए जो हम लोग हमेशा सुनते रहे तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा मैडम, मैं जरूर रिकॉर्डिंग दूंगी, मैं आजकल हर वीक रिकॉर्डिंग इस ग्रुप में रखती हूँ तो आपको जरूर मिलेगा, बहुत खुशी हुई। नहीं तो मुझे नहीं, मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ तो मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी मुझे कृष्णा जी, सरोज जी को एक मिनट, सरोज जी उनका नंबर आप ग्रुप में रखिएगा, गोपाल जी ऐड कर देंगे। हाँ मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मुझे इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले में दोनों में ही ऐड कर लीजिए। जरूर मैडम जरूर। हाँ थैंक यू मैडम, आपका टेलीफोन नंबर दीजिए मैं ही ऐड कर देती हूँ, क्या नंबर है आपका? मेरा तो मुझे तो याद नहीं है। अच्छा तो फिर आप सरोज मैडम को दे दीजिएगा ग्रुप में रगल। हाँ हाँ
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अच्छा, लगता है हमारे प्रश्न जवाब यहाँ पे खत्म हो गए हैं, तो आज फिर हम अपना सेशन यहाँ बंद करें, फिर हम लोग अगले वीक फिर से मिलेंगे। हाँ जी बोलिए। हाँ सॉरी मैडम, मैंने एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कोई है क्या, तो फिर मैं बात करूंगी। हाँ मैडम, आज मैडम बहुत आज का सेशन तो इतना मतलब वो हर बार बोलना भी ये होता है अभी कि आपका हर टॉपिक जो है हर बार का वो इतना मतलब एडिशनल रहता है जो पिछला है उससे और एक ये पैसेशन रहती है कि और क्या अच्छा और आज तो एक बज गया बिल्कुल पता ही नहीं चला और ऐसा अरे बाप रे एक तो बज गया ऐसे मतलब सरप्राइज हो गए कि एक इतना जल्दी बज गया ऐसा हो गया मेरा तो वो थोड़ा मुझे मतलब मैं वैसे रह गई प्यासी रह गई। अंजलि अंजलि जी आप मुझे आपने जो एक्सपीरियंस फील किया ग्रुप से शेयर कीजिए ना, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था आपका। ओके हाँ नमस्ते सब मास्टर्स को। एक्चुअली मैं परसों मैम को फोन किया था तो मुझे मैंने मैडम का फेसबुक पे जो सेशन हुआ था फर्स्ट और सेकंड वो दोनों पे मैंने मेडिटेशन किया तो परसों मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था कि मैंने वो फेसबुक का जो मैडम का सेशन है तो उस पे जब मैंने मेडिटेशन किया तो पूरा बॉडी में मुझे मतलब मैक्सिमम नीचे पोर्शन में ज्यादा सेंसेशन झुंझुनाट से जो मैडम बोलती है वो मैंने बिल्कुल महसूस किया क्योंकि 10 साल हो गए मुझे मैं मेडिटेशन करती हूँ लेकिन कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ जो मैडम ने टेक्निक बताई कि अंदर का जो चेतना है उसको फील करना है हमको हर पार्ट पे तो वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ पूरा दिन में जैसे जैसे और अंजलि मैडम आप हेलो हाँ जी बोलिए अंजलि जी थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी आप बोले हाँ वो थोड़ा हाँ मैडम वो रेंज का थोड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ा आज प्रॉब्लम हो रहा है। ओके हाँ तो मैं पूरा मतलब मैंने वो सेंसेशन पूरा फील किया झुंझुनाट और उसके बाद मेरे ये फोरहेड पे मैंने ऐसे लाइट जब डीम रहते हैं तो जैसे आता है जाता है वो सब मैंने वहां पे वो एनर्जी का फील किया और ये सब फील हुआ मुझे तो इतना अच्छा लगा मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि वाह ये कितना अच्छा है कि अंदर इतना चेतना चेतना जो बोलते हैं अंदर झाको क्या है ये क्या है क्यों अंदर जाके तो इसका जो फीलिंग मुझे आया तो ऐसा लगा कि वाह ये तो खजाना मिल गया है मुझे और बस उसके बाद से पूरा मतलब चेंज हो गया और सब अच्छा अच्छा लग रहा था और ब्लू कलर भी मुझे दिखाई दिया जब मैंने आंखों पे हाथ रखे थे तो वो पूरा एक घंटा उसके बाद मैं बहुत देर से वैसी बैठी थी बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं थी मुझे वहां से मेडिटेशन की जगह से तो 10 मिनट तो वैसे ही बैठी थी मैं शांत से फिर उसके बाद उठ गए थे तो आप सब लोग पूरा उसका प्रैक्टिस करो तो सच में इतने साल सुनती रहती थी सिर्फ कि अंदर झाको सांस के साथ रहना है लेकिन जो वो फीलिंग मैंने किया वो महसूस किया वो अभी तक मतलब आज तक मैंने कभी नहीं किया तो सो थैंक यू वेरी मच मैम। और आज का जो आपका सेशन है तो मुझे एक सवाल था उसका पूरा मुझे डिटेल में मतलब जवाब मिल गया कि क्या करना है और मेरा जो सवाल है तो थैंक यू मैडम मुझे ऐसा लगता है कि आज का आपको मुझे आप तक मेरा सवाल पहुंच गया और आप आज का जो ब्रीफिंग है वो
उसमें मुझे आंसर मिल गया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अंजलि, आपका एक्सपीरियंस दोबारा सुन के बहुत अच्छा लगा और ये भी खुशी हुई कि आपके प्रश्न का समाधान आपको मिल गया हमारे सेशन में. तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से कनेक्ट होके. और कोई अगर बोलना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी भी बोल सकते हो, नहीं तो फिर हम एक दो मिनट देखकर फिर ये प्लेटफॉर्म बंद करते हैं. ओके फ्रेंड्स, देन हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे.